everyone. If I am clearly audible and visible, please write in the chat box once that I am clearly audible and visible so that we can begin with the last marathon. Last जो हम जीके का मैराथन करने जा रहे हैं एंड 35 टू 40 टॉपिक्स मे बी विल बी रिवाइजिंग टुडे, है ना? तो जितने ज्यादा कर सकते हैं उतने टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, कुछ नया समझ लेंगे इन टॉपिक्स के बारे में. करेक्ट. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. डर लग रहा है? अरे कोई नहीं, डर के आगे जीते, टेंशन क्यों ले रहे हो? जस्ट अ मिनट. इसे ब्राइटनेस ज्यादा है स्क्रीन में या स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल और देर इज मोर वाइटनेस इन द स्क्रीन. ओके, चलो तो एक मिनट बस वेट कर लो. स्टार्ट. जस्ट वन मिनट. ओके, तो कल हमारा जो छूट गया था दैट इज एनएलआईपी, राइट? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एन लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है मेजरली फॉर दोज पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 15 इयर्स, 15 साल के ऊपर है एंड इनको यू कैन सी लिटरेसी की जरूरत है, उनके लिए स्टार्ट किया गया है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एनएलआईपी. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि क्या डिफरेंस है सेंट्रल सेक्टर और स्पॉन्सर्ड में, वो एक बार बता दो. विद आउटले ऑफ 1037 करोड़, इतना इसका आउटले है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए. एंड द टारगेट इज 5 करोड़ नॉन लिटरेट लोगों को जो 15 साल के ऊपर के हैं, राइट, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 इयर्स एंड अबव, उनको लिटरेट करवाना है. 5 कंपोनेंट है इसके: फाउंडेशनल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन. इन सब के लिए उनको रेडी करना है. नाउ इसके लिए जो उनको टीचिंग का मटेरियल या फिर जो भी रिसोर्सेस चाहिए होंगे, दे विल बी टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है दीक्षा प्लेटफॉर्म, राइट? तो दीक्षा प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें ली जाएगी. अगर हम इंडिया के लिटरेसी का सिचुएशन देखें तो 2011 सेंसस के हिसाब से देर आर अराउंड 25.76 करोड़ नॉन लिटरेट पीपल, मेल 9.08 एंड फीमेल 16.68. दैट मीन्स देर इज अ मोर नंबर ऑफ फी. आप मुझे परसेंटेज में बता सकते हो कितने इंडिया परसेंट इंडिया के लोग जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो नॉन लिटरेट है, इनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. देन सेकंड इज अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ यू कैन से अर्थक्वेक रिलेटेड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन लास्ट 1 ईयर, चाहे वो टर्की का अर्थक्वेक हो, चाहे वो मोरक्को का अर्थक्वेक हो, राइट? इन सब चीजों की वजह से अर्थक्वेक इज वेरी मच इन न्यूज. एंड इंडिया का सिचुएशन क्या है, कितना हम इंडिया के अंदर इस अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर्ड है, ये एक बार हम देखें. तो इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 4 सिस्मिक जोन्स जो स्टार्ट होते हैं जोन 2 से, 2, 3, 4 एंड 5. ऐसे 4 सिस्मिक जोन है, इसे 5 तक जाता है लेकिन ये 4 सिस्मिक जोन है, जिसमें जोन 2 पे आप मान सकते हो वेरी लो रिस्क ऑफ अर्थक्वेक एंड जोन 5 पे वेरी हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक. तो वेरी हाई में जैसे देख सकते हो, यू कैन सी नॉर्थ ईस्ट इज देयर, सम पार्ट ऑफ दिस रीजन ऑफ बिहार, नेपाल, योर यूपी इज देयर, देन हिमाचल एंड उत्तराखंड का कुछ रीजन, जम्मू कश्मीर का कुछ रीजन, ये सारे रीजन आते हैं एंड गुजरात का कुछ पार्ट, राइट? सो दीज आर इन द जोन 5 बिकॉज यहाँ पे अर्थक्वेक पहले आके जा चुके हैं, बाकी जोन 2 से लेके जोन 5 तक है. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इंडिया के अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में, प्रॉब्लम्स क्या है? तो जैसे कि हमारे देश में बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स कुछ लाने की जरूरत है. देन हमारे देश में जो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है उनके लिए देर इज अ नीड ऑफ रेट्रोफिटिंग. रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है जो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट करती है उसको नए स्टैंडर्ड के हिसाब से उसी में बना लेना, थोड़ा मॉडिफाई कर देना. देन देयर शुड बी सम इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग इन द सिचुएशन ऑफ अर्थक्वेक. देन रिसर्च एंड मॉनिटरिंग करना अर्थक्वेक का, इसमें हमें जरूरत है. एंड लैंड यूज प्लानिंग सो दैट मोर एंड मोर यू कैन से हमारे देश का जो रीजन है वो अर्थक्वेक प्रोन कम हो, ज्यादा अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ज्यादा बड़ा डिजास्टर ना आए, इसके लिए प्लान करना. दीज आर द थिंग्स. देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023. नाउ देर आर टू डिफरेंट प्राइज, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और दूसरा होता है मैन योर बुकर प्राइज ओनली.
एक में इंटरनेशनल जोड़ दिया जाता है और दूसरे को सिर्फ बुकर प्राइज कहते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये बुकर प्राइज इवन बाहर की किसी भी लैंग्वेज में अगर बनाया गया हो कोई बुक, उसके लिए मिलेगा। एंड बुकर प्राइज जो है, जिसमें इंटरनेशनल या फिर मैन ये वर्ड नहीं होता, वो होते हैं पर्टिकुलरली किसी लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मेजरली। तो एक बार समझते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या था इस बार। सो द लेटेस्ट एडिशन ऑफ लिटरेसी सेलिब्रेशन 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवार्डेड टू बुल्गेरियन राइटर जॉर्जी, जो भी इनका नाम है, गॉस्पी गॉस्पो डी नोव, है ना, एंड इनकी बुक जिसका नाम था टाइम शेल्टर, इस टाइम शेल्टर को जिन्होंने ट्रांसलेट किया है एंजेला रोडेल फॉर देयर रिमार्केबल नॉवल टाइम शेल्टर। ये टाइम शेल्टर ओरिजिनली बुल्गारियन लैंग्वेज में 2020 में पब्लिश की गई थी। इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये इनिशियली स्टार्ट किया गया था एज अ मैन बुकर प्राइज, और यू कैन से मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, बाद में इसका नाम इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जब हम बात करते हैं, इट इज गिवन टू लिटररी वर्क दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड, मतलब उसका ओरिजिनल लैंग्वेज कोई और हो सकता है, इनटू इंग्लिश, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है एंड पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड, जो यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो उसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस पर्पस के लिए मिलता है। जस्ट अ मिनट। ओके, इस पर्पस के लिए मिलता है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देन टॉम्ब ऑफ सैंड, अगर इंडिया की बात करें तो इस बार का तो हमने देख लिया, तो ये दो लोगों को मिलता है, जिसने ओरिजिनली उस नॉवल को लिखा होगा एंड सेकेंडली जिस पर्सन ने उसको ट्रांसलेट किया है, ओरिजिनल राइटर एंड द पर्सन हु हैव ट्रांसलेटेड दिस, इन दोनों को ये मिला जाता है। देन टॉम्ब ऑफ सैंड, ये लास्ट ईयर का ही प्राइज है, इज द फर्स्ट बुक रिटर्न इन इंडियन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिली है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस साल का नहीं है बट इंडियन है तो इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली दिस वॉज पब्लिश्ड इन हिंदी एट रेत समा एज रेत समाधि, रिटर्न बाय ऑथर गीतांजलि श्री, ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाय डाइसी रॉकवेल। तो इन दोनों को मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर बात करें तो 2005 से स्टार्ट हुए थे एज मैन बुकर प्राइज, बाद में इसका नाम चेंज होके बन गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अगर हम सिर्फ बुकर प्राइज की बात करते हैं, राइट, देयर इज अनदर प्राइज कॉल्ड बुकर प्राइज, ये अभी कुछ 3 4 दिन पहले ही मिला है, तो दैट्स व्हाई ये उतना अपडेटेड आपके इसमें नहीं होगा कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड एज ओनली बुकर प्राइज, इसको सिर्फ बुकर प्राइज का नाम दिया जाता है। ये मिला है आयरिश आयरलैंड के ऑथर पॉल लिंग को, हु वॉन 2023 बुकर प्राइज फॉर द फिफ्थ नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग सेट इन इमेजिन आयरलैंड दैट इज डिसेंडिंग इन टू टायरनी। तो इनका नाम क्या है, प्रॉफिट सॉन्ग, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल शेटरिंग एंड ट्रू नॉवल दैट कैप्चर्स द सोशल एंड पॉलिटिकल एंजाइटीज ऑफ आवर करंट सिचुएशन। ये बुकर प्राइज जो है ये वर्ल्ड का लीडिंग लिटररी प्राइज होता है फॉर सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन। ये सिर्फ बुकर प्राइज की अगर बात करें, यूके में स्टार्ट हुआ था 1969 में, इनिशियली सिर्फ कॉमनवेल्थ राइटर्स को ये दिया जाता था एंड नाउ इट स्पैन्स टू द ग्लोब एंड ओपन टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन। Each year, the Booker Prize is awarded to what is the opinion of our judges, the best sustained work of fiction written in English and published in UK and Ireland. तो ये क्या होना चाहिए? एक तो वो बुक इंग्लिश में लिखी जानी चाहिए, दूसरा वो यूके आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए, चाहे उसका राइटर दुनिया में किसी भी देश का हो। दूसरा क्या था, रीजनल लैंग्वेज का हो सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो हमने पढ़ा था, बट उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए और यूके आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। उसमें दो लोगों को अवार्ड मिलता है, एक द ओरिजिनल राइटर एंड सेकेंड द ट्रांसलेटर। और यहाँ पे क्या है, इट इज गिवन ओनली टू द पर्सन जिसका वो है, बिकॉज उसने इंग्लिश में ही लिखा है और यूके एंड आयरलैंड में, राइट, ये सब पब्लिश किया गया है। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। यहां से हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स, राइट, तो ये यहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, जेंडर गैप रिपोर्ट। अब दिस इज वन ऑफ दैट रिपोर्ट, या फिर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, सारे ऐसे रिपोर्ट्स आपको याद रखने हैं, सारे ऐसे रिपोर्ट्स आपको याद रखने हैं जिसमें इंडिया इज परफॉर्मिंग बैड और इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो ज्यादातर बुरे वाले पूछे जाते हैं, है ना। तो इंडिया का वन ऑफ दोज इंडेक्स है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है, WEF। इंडिया का रैंक इन दिस इज 127,
राइट 127वें नंबर पे है एंड इंडिया ने अच्छा किया है, 8 स्पॉट हमने 8 स्पॉट्स क्लाइम किया है, 127 इन द जेंडर गैप इंडेक्स एंड दिस इज हाउ द इंडेक्स इज, इट इज पब्लिश्ड बाय WEF। WEF के बारे में आप सब जानते हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता दो राइट WEF क्या है क्या नहीं है। देन WEF की जब हम सॉरी इस रैंक की हम बात करते हैं तो इट इज टॉप्ड बाय आइसलैंड, आइसलैंड ने इसे टॉप किया है एंड इंडिया का रैंक इज 127। इंडिया की नेबर लाइक श्रीलंका एंड नेपाल एंड चाइना भूटान बांग्लादेश ये काफी आगे है, बांग्लादेश काफी ज्यादा आगे। अब इसमें इंडिया ने ये भी कहा है देयर शुड बी सम चेंज इन द क्राइटेरिया, और इस चीज को कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है जो इंडिया ने चेंज इन क्राइटेरिया की बात की है। अब व्हाट एग्जैक्टली इज दैट चेंज इन क्राइटेरिया वाला थिंग वो भी हम समझते हैं, बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है इट इज गिवन बाय बाय कंसिडरिंग व्हाट आर थिंग्स। पहली बार इसको पब्लिश किया गया था 2006 में, चार चीजें ये कंसिडर करता है, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन, जेंडर गैप निकालना है ना तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ पे, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन, एजुकेशन में पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ। तो इनका एजुकेशन, इनका इकोनॉमी, इनका पॉलिटिक्स एंड इनका हेल्थ का सिचुएशन, इन चार चीजों को कंसिडर करके ये दिया जाता है। तो इंडिया धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, इंडिया ने जेंडर गैप 64.3% ऑलमोस्ट हमारे देश में क्लोज कर दिया है, स्टिल 36.7% एग्जिस्ट करता है जिसको हमें कंप्लीट खत्म करना होगा राइट। ये सब चीजें हमें करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें चेंज इन क्राइटेरिया की क्या बात की है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक क्राइटेरिया था जो हमने देखा था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उसमें ये प्रॉब्लम थी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कंसिडर किया जाता था ऑफ वुमेन इन द यूनियन कैबिनेट एंड ऑल राइट। तो सेंटर में कैबिनेट वगैरह में कितने हैं, बट एक्चुअली ये होना क्या चाहिए, एकदम जो बॉटम लेवल है वहां से सब चीजें कंसिडर करनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है सिंस द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI से वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है पंचायत में, बिकॉज हमारे यहाँ पे तो पंचायत में वुमेन का रिजर्वेशन है ना, लोकसभा में तो हमने अभी दिया है, बट पंचायत में देयर इज बिग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो एक्चुअल ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है। इसलिए इन्होंने कहा कि इग्नोरिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एट द पंचायत लेवल एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ फ्लॉड एंड अनजस्ट व्यू ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर्मर वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एट WEF लुक्स एट द यूनियन कैबिनेट एंड द मेंबर इन हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो बस पार्लियामेंट के राज्यसभा लोकसभा एंड कैबिनेट में कितने वुमेन है ये कंसिडर किया जाएगा, बट रियलिटी में होना क्या चाहिए, इवन पंचायत। गिवन दैट देर आर 1.4 मिलियन वुमेन इन इंडियन पंचायत सिस्टम, द WEF डिसीजन टू इंक्लूड दिस रैंकिंग इज अ मेजर विक्ट्री फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए अच्छा है राइट एंड बाकी इंडिया की स्कीम्स को भी अब कंसिडर किया जाएगा। तो ये है अबाउट जेंडर गैप, जस्ट 1 मिनट। ओके देन नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023, हम बात करते हैं यहाँ पे रिस्क रिपोर्ट के बारे में। नाउ दिस इज ऑल्सो गिवन बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिस्क रिपोर्ट के देते हैं। इंडिया अगर यहाँ पे बात करें रिस्क रिपोर्ट में, रिकॉर्डेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, अब ये दिस इज रिगार्डिंग वेदर एनवायरमेंट इन सब चीजों के बारे में कंसिडर करते हैं। सो इंडिया रिकॉर्डेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 291 आउट ऑफ 334 डेज बिटवीन जनवरी टू नवंबर, तो इंडिया का हालत खराब है इसके बारे में। दिस मींस दैट द कंट्री विटनेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन सम सॉर्ट इन वन और मोर रीजन ऑफ द कंट्री 87% इन लास्ट 11 मंथ, 87% एक्सट्रीम डेज थे हमारे देश के लिए। द एक्सट्रीम इवेंट्स कैन लिंक टू ह्यूमन कॉज ग्रीन हाउस गैस इमिशन या फिर और भी कोई इशू, इसलिए इनका जो आउटपुट है वो ये है, इन नेक्स्ट 2 ईयर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन, ये सबसे ज्यादा रिस्क होगी। अब इसकी आउटकम याद रखना, अगले 2 साल में इन्होंने कहा है सबसे बड़ी रिस्क क्या होगी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सबसे बड़ा रिस्क होगा। एंड दूसरा अगले 10 साल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट 10 ईयर में इट विल बी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए हम जो कर रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है, अगले 10 साल में सबसे बड़ा रिस्क होगा क्लाइमेट चेंज और अगले 2 साल में रिस्क होगा कॉस्ट।
रिस्क होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगले 2 साल में काफी बढ़ेगी, और अगले 10 साल में क्लाइमेट चेंज को हम जो टैकल नहीं कर रहे, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, काफी ज्यादा न्यूज में है, चाहे आप महाराष्ट्र का शिवसेना केस ले लो, या फिर कर्नाटका का कोई केस लो, या फिर राजस्थान, या फिर एमपी, हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है। जो एमएलए और एमपी खरीदे बेचे जाते हैं उसे कौन सी ट्रेडिंग कहते हैं, एक बार मुझे बता दो इन द चैट बॉक्स, विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज दैट कॉल्ड। देन उसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो आया राम गया राम केस से ये स्टार्ट होता है। फटाफट आपको मुझे कुछ चीजें बतानी है, तो कौन से ईयर में एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ था, कौन से नंबर का अमेंडमेंट था, कौन सा स्केड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके वजह से ऐड किया गया था, देन चार क्राइटेरिया जिसके वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दो एक्सेप्शंस जो इसको दे रखे हैं, व्हाट आर टू एक्सेप्शंस, देन इस इशू का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक कौन सी केस में हुआ था, वो एक बार आपको मुझे बताना है, इन विच केस देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक ऑफ दिस इशू, एंड कौन सा स्केड्यूल बाद सॉरी कौन सा अमेंडमेंट करके इसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो मुझे आपको बताना है। बहुत अच्छे, सुपर्ब। 1985, राइट, 1985 का था ये, एंड अमेंडमेंट नंबर 52, एडेड स्केड्यूल नंबर 10, चार चीजें। एक, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह लो, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई पार्टी वाला मेंबर वो उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है आफ्टर इलेक्शन, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद उनके नॉमिनेशन के कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, या फिर लास्ट कोई व्हिप का ऑर्डर फॉलो नहीं करता, पार्टी व्हिप का, तो उनको डिस्क्वालिफाई किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दो एक्सेप्शन इसमें दे रखे हैं, दोस टू एक्सेप्शंस आर, एक अगर देर इज अ मर्जर ऑफ द पार्टी, मर्जर का मतलब क्या होता है, 2/3 लोगों से ज्यादा लोगों ने डिसाइड किया है कि वो पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। एंड सेकेंड, अगर कोई भी पर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है उस हाउस का, मान लो लोकसभा के चेयरमैन, सॉरी लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के वाइस चेयरमैन वगैरह, तो दे आर हैविंग राइट टू लीव देयर पॉलिटिकल पार्टी टू डू देयर ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक इट वॉज की हो तो होलोहान वर्सेस जाचिल्हू केस, एंड अमेंडमेंट नंबर नया जो आया था 91st अमेंडमेंट, जिससे क्या बोला गया, फाइनल डिसीजन जो होता है वो स्पीकर का रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड सेकेंडली, इसमें एक क्राइटेरिया हुआ करता था स्प्लिट, उस स्प्लिट का क्राइटेरिया दैट इज 1/3 पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अगर जाना चाहते तो उसको भी अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है। नाउ देर इज ओनली वन थिंग दैट इज मर्जर 2/3 से ज्यादा वाला, राइट, सो दीज आर द थिंग्स। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे। मर्जर 1985, 52nd अमेंडमेंट, हॉर्स ट्रेडिंग इज द नेम, करेक्ट। जब इनकी खरीद बेच की जाती है एमएलए एमपी का, तो उसे कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, वैसे घोड़ों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्कर 2023, ऑस्कर अवार्ड्स 2023, इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया को मिले हैं, है ना, ऑस्कर दो, और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन ओरिजिन के सॉन्ग या इंडियन की जो फिल्म थी उसको मिला है। वैसे स्लमडॉग मिलियनेयर सब लोग कहते हैं, एआर रहमान, ये सब चीजें, लेकिन वो ओरिजिनली फिल्म बनाई गई थी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें तो ऑस्कर मिला है, इसको एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, कौन से नंबर के थे, 95th एकेडमी अवार्ड। देन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट भी मिला है इंडिया को, दैट इज गिवन टू एलिफेंट विस्परस, एंड बेस्ट यू कैन सी सॉन्ग वाला मिला है टू द आरआरआर का गाना, आरआरआर मूवी को नहीं मिला है, उसका गाना जो है नाटू नाटू, उस सॉन्ग को मिला है, राइट। अब इनके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनका समझ लेंगे, नाटू नाटू सॉन्ग की अगर बात करें तो ये ओरिजिनली, पहले याद रखना, ये बनाया गया था इन द तेलुगु लैंग्वेज, ये एक तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया ओरिजिनली सॉन्ग है, एंड इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला है अवार्ड। एंड इसके अगर हम कंपोजर एंड लिरिसिस्ट इनकी बात करें तो इसके लिरिसिस्ट है चंद्रा बोस एंड कंपोजर है एमएम किरावनी, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। अब मुझे यहाँ पे बताना है आपको कि एमएम किरावनी को हमने एक और अवार्ड दिया है, हमारा नेशनल अवार्ड एक दिया गया है, वो कौन सा है मुझे बता दो। देन इसके अलावा दूसरा, ये तो सबको याद होंगे किरावनी एंड चंद्रा बोस, इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है एलिफेंट विस्परर्स के बारे में, इसके डायरेक्टर के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, इट इज डायरेक्टेड बाय कार्तिकी गोंजाल्विस एंड प्रोड्यूस्ड बाय गुनीत मोंगा। तो
इन दोनों को ये अवार्ड मिला है, कार्तिकी गोंजालवेस को एंड गुनीत मोंगा, इन दो लोगों को ये अवार्ड मिला है राइट फॉर दिस मूवी और डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो। और इस डॉक्यूमेंट्री में अगर हम बात करें तो ये बोमन एंड बेली की स्टोरी है। ये दो लोग हैं जो साउथ इंडिया में है ना एक ऑर्फन बेबी एलिफेंट को बड़ा करते हैं जिसका नाम होता है रघु, जिसका नाम होता है रघु। देन इंडिया की तरफ से और एक नॉमिनेशन था ऑल दैट ब्रीथ्स, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला है। एक और था चेलो शो, इसको भी ज्यादा कुछ नहीं मिला है। बट ये चेलो शो के जो हीरो है इनको अभी, या फिर ये चाइल्ड आर्टिस्ट कह सकते हो, हीरो क्या कहोगे, इन चाइल्ड आर्टिस्ट को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द चाइल्ड आर्टिस्ट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया का पार्टिसिपेशन एट द ऑस्कर अवार्ड्स और एकेडमी अवार्ड्स, 1957 में पहली इंडियन मूवी जिसका मेंशन हुआ था इन द ऑस्कर, दैट इज मदर इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार के जो अवार्ड्स है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल ब्रेंडन फ्रेजर फॉर द मूवी द वेल, देन बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मिशेल योहा फॉर द मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये वही मूवी है जिसको इस बार के ऑस्कर में सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं एंड सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। डायरेक्शन के लिए डैनियल एंड डैनियल, दो डैनियल है जो इस एवरीथिंग एवरीवेयर के डायरेक्टर है, एक का नाम है डैनियल क्वान, दूसरा है डैनियल शेरनेट, तो इनको ये अवार्ड मिले हैं। देन ऑस्कर की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल, वैसे तो और भी बहुत सारे ऑस्कर है लेकिन हमारे लिए उतने जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इस अवार्ड की हिस्ट्री की, तो दिस स्टार्टेड इन द ईयर 1929। 1929 में ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे। द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस अवार्ड इज एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट राइट, एंड द नेम वॉज ऑफिशियली एसोसिएटेड इन 1939। पहली बार ये टीवी पे हुआ इन 1953, टेलीवाइज किए गए पहली बार 1953 में। फर्स्ट टाइम जब हुए थे तब एक पर्सन के घर में हुए थे। अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस को लीडिंग रोल का अवार्ड सबसे ज्यादा मिला है, लीडिंग रोल का अवार्ड अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला है तो वो मिला है कैथरीन हेपबर्न। इनको 4 बार ऑस्कर मिला है फॉर डिफरेंट डिफरेंट मूवीज एज बेस्ट एक्ट्रेस। ये मुझे बता दो कोई एक पर्सन जिनको आज तक सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले हैं, चाहे वो एक्टर हो या ना हो, एक्ट्रेस का या एक्टर का। तो मैंने बता दिया कि कैथरीन हेपबर्न को मिले हैं 4 ऑस्कर एक्ट्रेस के नाम पे। एक कोई एक पर्सन जिनको आज तक सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑस्कर मिले उनका नाम बता देना। देन अगर ऑस्कर की बात हो रही है तो हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स क्यों ना कंसिडर किए जाए। जैसे हमारे देश में अभी कल एक और अवार्ड्स हुए हैं जिनको कहते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंडिया का, और इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के भी अवार्ड्स अभी रिलीज किए गए, लेकिन वो अब इतना रिसेंट शायद आपकी एग्जाम में ना पूछा जाए, है ना, कल ही वो फंक्शन हुआ है और अभी आपका एग्जाम आने ही वाला है। तो इसलिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। इनिशियली इनको स्टेट अवार्ड कहा जाता था, इनिशियली दे वर कॉल्ड अ स्टेट अवार्ड एंड दे वर गिवन ओनली फॉर द फिल्म, वो सिर्फ मूवी के लिए, फिल्म के लिए दिए जाते थे। अब बाद में उसको एक्टर एक्ट्रेस आर्टिस्ट वगैरह इन सबको जोड़ दिया गया। तो इस बार की अगर अवार्ड की बात की जाए तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी नंबी नारायणन के ऊपर मूवी थी राइट, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, आर माधवन ने वैसे इनका रोल किया था नंबी नारायण का, द नंबी इफेक्ट है ना, या फिर ही इज द पर्सन बिहाइंड इंडियाज लिक्विड इंजन, इंडिया का जो PSLV का लिक्विड इंजन है जिसको हम विकास इंजन भी कहते हैं, उस विकास इंजन के ये मेन पर्सन है, फाउंडर है। देन डायरेक्टर की अगर बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन फॉर गोदावरी मूवी, देन बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, सबको एंटरटेन किया RRR ने, देन नरगिस दत्त अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, फिल्म का नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड ये मिला है द कश्मीर फाइल्स को। इसी नेशनल इंटीग्रेशन वाले अवार्ड को सिल्वर लोटस अवार्ड भी कहते हैं, तो ये भी याद रख लेना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर लोटस अवार्ड। एंड नरगिस दत्त क्यों नाम नहीं यूज किया गया है, बिकॉज नरगिस दत्त वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस जिनको ये एक नेशनल अवार्ड मिला था। देन बेस्ट एक्टर मिला गया टू द अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी, सबको एंटरटेन किया इन्होंने भी। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सेनन फॉर मिमी मूवी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये सबके फेवरेट एक्टर है मेरे भी, आप सब लोगों के भी होंगे, जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी, इनके भी मिमी मिमी के लिए मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी फॉर द कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। एंड बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट जो मैंने आपको बताया था भावीन, जिनका नाम है फॉर द मूवी चेल्लो शो, इनको ये मिला है। देन अगर हम बात करें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में,
हम अगर बात करें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में, तो वैसे ये शुरू हुए थे इन द ईयर 1954, ये स्टार्ट हुए थे इन द ईयर 1954, बट इनको तभी कहा जाता था स्टेट अवार्ड्स, दे वर कॉल्ड एज स्टेट अवार्ड्स एंड देर वाज ओनली फिल्म रिलेटेड अवार्ड्स। इट इज द ईयर 1968 जब पहली बार सेपरेट अवार्ड दिए गए फॉर डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट एक्टर्स टेक्नीशियंस वगैरह इन सबको दिया गया, एंड द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस। तब इनको अलग नाम से बुलाया जाता था, बेस्ट एक्टर के अवार्ड को बुलाया जाता था भारत अवार्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस को बुलाया जाता था उर्वशी अवार्ड। तो नरगिस दत्त एंड उत्तम कुमार इनको ये अवार्ड मिला था। नरगिस दत्त वाज द फर्स्ट रिसिपियंट बेस्ट एक्ट्रेस देन कॉल्ड उर्वशी, एंड बेस्ट एक्टर देन कॉल्ड भारत, अवार्ड्स वेयर गिवन रेस्पेक्टिवली। अब जो मैंने आपको बताया नेशनल इंटीग्रेशन वाला, इसका दूसरा नाम भी यहां पे दे रखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर लोटस अवार्ड। एंड अगर हम बात करें कि ये फंक्शन कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो दिस इज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंडियन डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन है उसके मिनिस्टर, ये मुझे बता दो एक बार चैट बॉक्स में। और पहले आपने जो बताया वो भी बिल्कुल सही बताया था अबाउट द ऑस्कर, जिनका नाम था वॉल्ट, राइट, डिज्नी, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे। देन नेक्स्ट इज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। यहां तक सब कुछ क्लियर है, सब समझ आ रहा है? ओके, तो अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, तो राइट, अनुराग ठाकुर जी है। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी की जब हम बात करते हैं, तो ये न्यूज में है बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा इसको लेके इश्यू या प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, वैसे ये इंडस रिवर जो है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे इंडस की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये रिवर का इंडिया जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट है, दैट मीन्स अपस्ट्रीम स्टेट कंट्री है, राइट, अपस्ट्रीम कंट्री है इंडिया। इंडिया के ऊपर है पाकिस्तान को कितना पानी देना है या डाउनस्ट्रीम के कंट्रीज को कितना पानी देना है। इनिशियली 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो 1948 से लेके 1960 तक, 1948 से लेके 1960 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था इंटर डोमिनियन अकॉर्ड, जो ब्रिटिशर्स ने करवा के दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हम पानी देते थे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इन द इंडस रिवर सिस्टम। जब इंडिया इंडस इस इंटर डोमिनियन अकॉर्ड को फॉलो करता था, तो इसमें रूल ये था दैट इंडिया विल बी गिविंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर टू पाकिस्तान। अब सफिशियंट कितना है ये भारत डिसाइड करेगा, और दूसरा इसके बदले पाकिस्तान हमें पैसे देगा, पाकिस्तान विल मेक पेमेंट्स टू इंडिया फॉर दिस वाटर। बट कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस हुए जैसे कि इंडिया ने कभी कुछ यू कैन से आतंकवादी का इशू हुआ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर यानी पाकिस्तानी अग्रेशन, तो इंडिया ने पानी बंद कर दिया। जब इंडिया ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान के लोग वैसे ही भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे, तो ये क्या करते थे, जाके रोते थे टूवर्ड्स यूनाइटेड नेशन या फिर वर्ल्ड बैंक कि देखो पानी नहीं दे रहे हमको। एंड इवेंचुअली फिर वर्ल्ड बैंक ने इस इश्यू में इंटरवीन करने का डिसाइड किया इन द ईयर 1954। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मैं एक ट्रीटी बना के देता हूँ, है ना, उस हिसाब से आप चीजें करना। इंडिया ने कहा चलो ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बता रही है तो इनकी बात सुन लेनी चाहिए, क्या ही दिक्कत है ना। और इन्होंने 6 साल लिए और 1960 में फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी बनाई। इस ट्रीटी ने बोला तीन तीन रिवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर की तरह डिवाइड कर देते हैं हम, इंडिया को कुछ रिवर दे देंगे और पाकिस्तान को कुछ रिवर दे देंगे, जैसे कि रावी, ब्यास एंड सतलज जिनको ईस्टर्न रिवर कहते हैं, ये इंडिया को दे दी गई, और वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में है ना पाकिस्तान, तो वेस्टर्न रिवर दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। अब इसमें ये बोला गया इंडिया कैन नॉट यूज द वाटर ऑफ दीज थ्री रिवर्स फॉर कंजम्पशन पर्पज, राइट, कंजम्पशन के लिए इंडिया इनका वाटर यूज नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया इसका वाटर यूज करता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज या फिर नेविगेशन पर्पस, और जब भी इसका पानी इंडिया रोकता है देर इज प्रॉब्लम, देर इज अ प्रॉब्लम विथ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता, एंड देन दिस यू कैन से इश्यू गोज ऑन टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट, क्या करते हैं पीसीए में केस फाइल कर दिया जाता है, या फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ पाकिस्तान केस फाइल करता है, लेकिन इसके जजमेंट जो है वो हमेशा इंडिया की साइड से आए। अब यहां पे अगर बात करें तो इंडिया ने इंडस वाटर सिस्टम दैट इज इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों का, इन 6 रिवर का, या फिर पूरे इस
रिवर सिस्टम का, इस पूरे रिवर सिस्टम का अगर हम कंसिडर करें कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन टू इंडिया एंड कितना इज गिवन टू पाकिस्तान, तो इंडिया ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 80% पानी दे दिया है। और इसीलिए इसको कहा जाता है, दिस इज दुनिया का, इसे कहा जाता है, इट इज दुनिया का सबसे जेनरस वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। एक अपस्ट्रीम कंट्री इंडिया ने डाउनस्ट्रीम कंट्री पाकिस्तान जैसे देश को इतना सारा पानी दे दिया हो, बट ठीक है, इंडिया इंडिया है। अब होता क्या है, हम अगर इंडस, झेलम और चेनाब, इन तीन रिवर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो पाकिस्तान क्रिएट्स अ इशू। जैसे कि वी हैव तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर, ये हमारा बना हुआ है झेलम रिवर के ऊपर। देन सेकेंड इज किशन गंगा वाटर प्रोजेक्ट अगेन ऑन झेलम रिवर। देन वी हैव रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड चेनाब रिवर। और इन सब को लेके ये वर्ल्ड बैंक या पीसीए में केस फाइल कर चुके हैं, लेकिन हर जगह से इंडिया के फेवर में वर्डिक्ट आ चुका है। सो दिस इज द इशू। देन नेक्स्ट इज रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता। तो अब इस इवेंट को या फिर इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दुनिया में दो टाइप के चीता होते हैं, एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ इंडिया और ईरान में मिला करता था, लेकिन इंडिया से हमने एक्सटिंग कर दिया है। हमारे एक महाराजा थे, है ना, कोरिया रीजन के और छत्तीसगढ़, उन्होंने हमारे देश के लास्ट चीता को भी मार दिया। एशियाटिक चीता जो है वो आज की डेट में अगर हम कंसिडर करें तो एशियाटिक चीता आज की डेट में जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये एशियाटिक चीता है। एंड ये जो अफ्रीकन चीता है, दिस इज अनादर चीता, दैट इज अफ्रीकन चीता। इसको फास्टेस्ट लैंड मैमल भी कहा जाता है, राइट, ये फास्टेस्ट लैंड मैमल भी है। एंड इसका नंबर जो है वो काफी अच्छा है, 60-70 हज़ार चीता पाए जाते हैं। ये जो एशियाटिक चीता है ये आज की डेट में सिर्फ ईरान में मिलता है, इंडिया में मिला करता था, इंडिया में मिला करता था, अब नहीं मिलता है। IUCN स्टेटस अगर हम देखें अफ्रीकन चीता का तो वो सिर्फ वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता का देखें तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि अब एक ही देश में थोड़े से चीता बचे हुए हैं। एंड इंडिया के चीता की अगर बात करें तो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ऑफ कोरिया थे, कोरिया इन छत्तीसगढ़, उन्होंने इंडिया का लास्ट एशियाटिक चीता जो है उसको 1947 में मार दिया। उसके बाद भारत सरकार ने अलग अलग जगहों पे चीता कुछ ढूंढने की सब कोशिश की, बट फाइनली इन द ईयर 1952 हमने डिक्लेयर कर दिया ये इंडिया में क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उसके बाद रिसेंटली इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया, जिसके अंदर हमने चीता इंपोर्ट करने का डिसाइड किया। 8 चीता हमने लिए फ्रॉम नामीबिया, टोटल प्रोजेक्ट हमारा है 50 चीता लेने का फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। 3 देशों से हम लेने वाले हैं, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा नामीबिया एंड तीसरा बोत्सवाना से। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल में 50 चीता इन 3 जगह से लिए जाएंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द वर्ल्ड दैट लार्ज कार्निवोरस विल बी रिलोकेटेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट। अब इंडिया में इसे कहाँ रखा गया है, तो इंडिया में इन्हें रखा गया है इन द कूनो नेशनल पार्क, विच इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। एंड इसका ध्यान रखने का काम कर रहा है NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हर कोई जानता है इसके बारे में, राइट। एंड ये जो चीता है इसमें अभी कुछ चीता की डेथ भी हो चुकी है, एंड कुछ चीता जो है वो नए चीता को बर्थ भी दे चुके हैं। सो दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन, देखते हैं आगे कैसे हम इनको बचा पाते, क्या कर पाते हैं। किनो कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रखा जा रहा है। सो दिस इज अबाउट द चीता, राइट। अगर इनका डिफरेंस माने तो ये जो होता है एशियाटिक चीता, ये छोटा होता है साइज में, लाइट कलर होता है एज कंपेयर टू अफ्रीकन चीता, लेकिन इसकी आंखें बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, लाल कलर की। यहाँ पे इसकी आंखें आपको येलोइश एंड ब्लैक कलर में दिखाई देगी, साइज थोड़ा सा बड़ा होता है अफ्रीकन चीता का। देन नेक्स्ट इज अबाउट वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, और यू कैन से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री बहुत लंबी है इस बिल की, राइट, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टोटल 14 आर सर्वाइविंग, यस, उनके बच्चे अच्छे भी हो चुके हैं, तो देखते हैं अब कितने हैं कितने नहीं है, वो एक बार चेक कर लेना। नाउ हम बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में। तो वुमेन रिजर्वेशन का हिस्ट्री बहुत लंबा है। फॉर अगर हम बात करें तो वुमेन रिजर्वेशन, इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ हम याद करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स टाइम पे ही पहली बार बात की गई थी, लेकिन तब हमारे देश में इसको सपोर्ट नहीं मिला, राइट। उसके बाद 1971 में देयर वाज कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, उन्होंने सपोर्ट किया फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज। फिर फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इन वुमेन रिजर्वेशन इज 1988, जब देश में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान किया गया फॉर वुमेन। और इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन ने बोला कि पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक हर जगह वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस 1988 का प्लान,
इवेंचुअली हमारे देश में आया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे देश में आए, उसके थ्रू वुमेन रिजर्वेशन दिया गया इन पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज कितना परसेंट, 33%, 33% वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडी पंचायत राज एज वेल एज एट द सीट ऑफ चेयरमैन ऑफ पंचायती राज, सरपंच वाला या फिर जो मेयर होते हैं, हर जगह पे वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, 33% रिजर्वेशन हुआ। देन उसके बाद कहीं ना कहीं शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वुमेन को भी विद इन दिस रिजर्वेशन दिया जाने लगा। देन बहुत सारी स्टेट्स ने हमारी देश में इस 33% को बढ़ा के 50% कर दिया। तो ये याद रखना लॉ क्या कहता है, 33%, अलग अलग स्टेट ने अगर ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया तो उस स्टेट का स्टैंड है, लेकिन लॉ क्या कहता है, इट शुड बी 33% रिजर्वेशन मिनिमम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन के बारे में एट सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी लोकसभा और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे वुमेन रिजर्वेशन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम जो यू कैन से बात की गई, दैट वाज इन द ईयर 1996 में इसके लिए पहली बार बिल आया था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में और जैसे लोकसभा खत्म हो जाती थी ये बिल लैप्स होता था। तो 96 में पहली बार ये बिल आया, उसके बाद 98 में आया, फिर 99 में आया, लेकिन ये बिल आगे पास हो नहीं पाया, ये बिल आगे पास हो नहीं पाया। फिर फाइनली इंपॉर्टेंट बिल आया 2004 में, वुमेन रिजर्वेशन बिल जिसे हम कहते हैं, सॉरी 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंडर कहा वी शुड गिव रिजर्वेशन टू वुमेन, एंड 2010 में फाइनली देन द बिल वाज देयर व्हिच वाज पास्ड बाय राज्यसभा। ये बिल वैसे इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में, 2004 में आप कह सकते हो कि राज्य बात की गई बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, 2008 में बिल लाया गया इन राज्यसभा, लेकिन ये बिल पास हुआ 2010 में इन राज्यसभा। और फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि यस दिस रिजर्वेशन शुड बी गिवन, आगे क्या करना है क्या नहीं, इन सब चीजों को लेके डिस्कशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके लिए एक कमेटी भी सेटअप की गई थी 1996 में जिसका नाम है गीता मुखर्जी कमेटी। इस गीता मुखर्जी कमेटी के कहने पे दिया गया था 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन लोकसभा। रिमेंबर दिस, ये रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं है, इट इज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा। एंड ये 33% रिजर्वेशन की फिर बात की गई तो इसमें ये भी बोला गया दिस रिजर्वेशन शुड बी फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर इवेंचुअली ये बिल भी कहीं ना कहीं डिस्कशन में बहुत टाइम से चली रहा था, एंड देन दिस स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंडक्ट करवाया गया, राइट, स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंडक्ट करवाया गया और इस स्पेशल सेशन में इस बिल को एज 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तरह हमने इसे इंट्रोड्यूस किया जो क्या कहता है 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी गिवन, राइट। तो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन देना चाहिए एंड दिस रिजर्वेशन शुड बी फॉर द पीरियड ऑफ 15 years, 15 साल के लिए होना चाहिए, हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 साल। मतलब हमारे देश में टोटल देर आर 199 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 100 नहीं मानते, 99 मानते, हमारे देश में 99 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर है तो 99 कॉन्स्टिट्यूएंस में क्या करेंगे हम, 33 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस 5 साल, फिर अगली 33 अगले 5 साल, फिर अगली 33 अगले 5 साल, ऐसे इसको 15 साल तक रखा जाएगा और उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब ये जो वुमेन रिजर्वेशन का है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसकी इतनी जरूरत क्यों थी, व्हाई देयर वाज अ नीड, इसके बारे में दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि दिस इज द फर्स्ट बिल टू बी पास्ड इन आवर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग में पास होने वाला ये पहला बिल था। अब इसकी जरूरत क्यों थी, तो इसकी जरूरत अगर हम देखेंगे तो चाहे आप जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर ले, उसमें भी इंडिया का रैंक उतना अच्छा नहीं है, राइट, हमने देखा था अभी। उसके अलावा अगर हम कंसिडर करें कि हमारे देश में व्हाट इज द सिचुएशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा में देर आर 14% वुमेन ओनली, 14% वुमेन है सिर्फ लोकसभा में, एंड राज्यसभा में दिस इज ओनली 11%, सिर्फ 11% वुमेन है इन राज्यसभा। और अगर हम हमारे देश की सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जोड़ दे तो दैट परसेंटेज इज ओनली 8%,
देयर इज ओनली 8%। ये परसेंटेज याद रख लेगा, लोकसभा में 14%, राज्यसभा में 11% और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ओनली 8%। बट इस बिल में जो बोला गया है कि ये रिजर्वेशन कौन से ईयर से अप्लीकेबल होगा, कोई बता सकता है मुझे? या आने वाले अभी लोकसभा इलेक्शन में होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, या कब से होने वाला है ये रिजर्वेशन अप्लीकेबल, ये मुझे बता देना। देन नेक्स्ट इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट बिकमिंग द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन 2022। ये क्वेश्चन पूछा गया था इन द यू कैन सी लास्ट ईयर का एलेट एग्जाम, तब इंडिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन वॉज महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र था। जो किस मुझे आई थिंक 108 के बारे में बात कर रहा है, दैट 108 वॉज 2008 का बिल, वो 2008 का बिल था लेकिन उसको चेंज करके नया बिल लाया गया है, तो दैट्स वाई दिस इज 128। ठीक है, करेक्ट। 2029 से बोला गया है, 2029 के इलेक्शन से अप्लीकेबल होगा, 2026 में जब हमारे देश में डिलिमिटेशन होने वाला है उसके बाद जो इलेक्शन हो गए होपफुली, है ना, 2029 नहीं होंगे, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी ऐसा हम कंसिडर करके चल रहे हैं इस साल भी, है ना, या अगले साल 24 में भी, तो उसके बाद ये 2029 के इलेक्शन से होगा। नाउ नॉर्थ ईस्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर एलेट में पूछा गया था, क्या पता इस बार क्लैट में पूछा जाए। एंड नॉर्थ ईस्ट एक इंपॉर्टेंट जगह है बिकॉज हम पिछले कई सालों से नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अपने डेवलपमेंट के लिए भी। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट नाम का भी एक स्कीम स्टार्ट किया था। एज अ रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी कैन सी 11.8 लाख डोमेस्टिक विजिटर एंड 1 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर आके ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम भी इसके अंडर था। अब कुछ इंपॉर्टेंट जगह है नॉर्थ ईस्ट की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में देर इज वन इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री कॉल्ड तवांग मोनेस्ट्री या तवांग रीजन, जो चाइना मेजरली क्लेम करता है। देन अगर हम आसाम की बात करें तो देर इज वन फेमस टेम्पल कॉल्ड कामाख्या टेम्पल इन आसाम, जहां पे एक मेला होता है जिसे कहते हैं अंबुबाची मेला, राइट, अंबुबाची मेला, तो इसका नाम याद रखना। देन देर इज काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम विच इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो एंड फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। देन वी हैव मजोली आइलैंड, ये भी आसाम में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवर के अंदर बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड रिवराइन आइलैंड, ये एक डिस्ट्रिक्ट है मजौली। देन मणिपुर में देर इज वन लेक कॉल्ड लोकटक लेक, लोकटक लेक जो है ये फेमस है फॉर उसके ऊपर फ्लोट करने वाला ग्रास जिसे कहते हैं फुमडीज, जिसे कहते हैं फुमडीज, और इस फुमडीज के ऊपर एक नेशनल पार्क बना हुआ है फ्लोटिंग, दुनिया का इकलौता वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक फेमस डियर मिलता है जिसे कहते हैं डांसिंग डियर, या फिर ऑफिशियल इसका नाम है सांगाई डियर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सांगाई डियर। देन नेक्स्ट इज, ये तो हो गया मेघालय के बारे में। देन वेन वी टॉक, सॉरी, दैट वॉज अबाउट योर मणिपुर। वेन वी टॉक अबाउट मेघालय, इट इज फेमस फॉर द लिविंग रूट ब्रिजेस, कहीं तो दे रखा होगा लिविंग रूट ब्रिज। उसके अलावा इंडिया का सबसे बारिश ज्यादा या फिर दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह मौसिनराम, ये भी यहीं पे है, राइट, तो उसके लिए भी ये काफी फेमस है मौसिनराम के लिए। देन मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड का फेमस फेस्टिवल इज देयर कॉल्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सिक्किम में देर इज वन सोमगो लेक, उसके अलावा देर इज वन नेशनल पार्क इन सिक्किम विच इज इंडियाज ओनली मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया की ओनली मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो, उसका नाम मुझे बता दो एक बार इन द चैट बॉक्स ही कौन सा है वो। देन नेक्स्ट इज आईपीईएफ एंड एपीईसी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड रिसेंट मीटिंग ऑफ एपीईसी, राइट, लाइक कर दो इतनी देर से कहानी चल रही है, 350 लोग है लेकिन 119 लाइक है बस, 350 तो पहुंचा दो इसको। ओके, देन नेक्स्ट इज सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और इतने लोग आते हो देख के जाते हो, मतलब ऐसे तो लोग बहुत ही मिलने नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो इतने तीन तीन मैराथन यहाँ पे आके देख के गए, 6 6 घंटे 9 9 घंटे हो चुके हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हाँ मॉरली गलत है, इतना पढ़ाई करने के बाद इतना फ्री में मिलने के बाद तो सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए चैनल को, आप भी करना चाहिए, आपके दोस्तों को भी कराना चाहिए, घर वालों को भी कराना चाहिए, है ना, ओके, सबके काम आएगा। देन नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड एपीईसी, तो
अभी हुआ क्या था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तो मेजरली इंडिया ने जब आरसीईपी में जाने से मना किया, दैट इज रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो एक ट्रेड ब्लॉक है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए, उसमें जाने से जब इंडिया ने मना किया या फिर इंडिया ने उससे विड्रॉ कर लिया, उसके बाद इंडिया के साथ एक ट्रेड ब्लॉक बनाने के लिए यूएसए ने आईपीईएफ स्टार्ट किया था, जिसमें ज्यादातर यूएस के दोस्त और इंडिया है। अब इन सबको हमने इनवाइट किया एट एपीईसी, इंडिया को भी इनवाइट किया गया। इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी है, सैन फ्रांसिस्को गए थे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस या जो भी कॉपरेशन है उसके अंदर, राइट। अब यहाँ पे क्यों गया था, बिकॉज इंडिया जो है वहां का एपीईसी में ऑब्जर्वर है, इंडिया उसकी मेंबरशिप चाहता है, लेकिन चाइना इंडिया को उसकी मेंबरशिप नहीं लेने देता, बट यूएसए चाहता था कि इंडिया का प्रेजेंस वहां पे कहीं ना कहीं, है ना, इंडिया का प्रेजेंस वहां पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई इन्होंने इंडिया को इनवाइट किया, बिकॉज सैन फ्रांसिस्को यूएस में ही मीटिंग हो रही थी, तो पीयूष गोयल जी गए थे सैन फ्रांसिस्को इस मीटिंग के लिए अभी नवंबर में, टू अटेंड द लीडर्स एंड एंगेजमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एट एपीईसी, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर आईपीईएफ की बात करें तो 2021 में ईस्ट एशिया समिट में जो बाइडन जी ने इसके बारे में बात की थी, जो फाइनली 2022 में बन के आया था। अब ये कोई ट्रेड पैक्ट नहीं है, आईपीईएफ इज नॉट अ ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें बोला गया कि इसके चार पिलर है, टेल मी व्हाट आर दोस फोर पिलर्स, और इस चार पिलर में से जिस देश को जो पिलर में नहीं जाना है, राइट, दो पिलर में नहीं जाना है वो यू कैन से वो दो चार पिलर में से किसी भी पिलर में अगर किसी कंट्री को, दो नहीं, किसी पिलर में अगर किसी कंट्री को नहीं जाना है तो वो उसे अवॉइड कर सकते हैं उसमें अगर नहीं जाना है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने इसमें से फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड में जाने से मना किया है। उसके अलावा देयर इज सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स एंड एंटी करप्शन, ये चार पिलर है, तीन में इंडिया इज देयर, एक में इंडिया नहीं है, राइट, बिकॉज इंडिया नहीं चाहता कि इन सारी कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या ऐसा कुछ हो। आईपीएफ में टोटल आज की डेट में 14 कंट्रीज है, मेजरली यूएस की कंट्रीज लाइक यूएस के फ्रेंड्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए, इंडिया को छोड़ के बाकी मेजरली यूएस के दोस्त है। एंड अगर हम आईपीएफ की बात करें, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है 40% दुनिया के जीडीपी में और 28% ऑफ द दुनिया का ट्रेड, 28% दुनिया का ट्रेड, 40% दुनिया का जीडीपी यहां से निकल के आता है। एंड ये चाइना के अलग अलग इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाया है। 2022 में इंडिया ने भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, लेकिन ट्रेड पिलर से इंडिया इसके बाहर है। अब एपीईसी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है, ये जो है ये एशिया पैसिफिक की कंट्रीज के लिए है, दैट मीन्स एशिया की जो कंट्रीज है जो पैसिफिक ओशन के अराउंड है, एंड यूएस वगैरह जो पैसिफिक ओशन के अराउंड है, तो पैसिफिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज है उन सबका ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। स्टार्ट हुआ था 1989 में, एंड यू कैन सी बहुत ही अजीब अजीबोगरीब देश आपने इसको दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट हॉक ने इसे रिकमेंड किया था बनाने के लिए, और इसकी पहली मीटिंग जो है, राइट, वो पांच पैसिफिक ओशन के कंट्रीज के साथ हुई थी, लेकिन आज की डेट में इसमें आपको ताइवान भी दिखाई देगा, उसी के साथ चाइना भी दिखाई देगा, यूएस भी दिखाई देगा और रशिया भी दिखाई देगा। तो बहुत ही अजीबोगरीब है ना, टोटल 21 देश इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, जिसमें ये सारे भी एक साथ इसमें काम करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा इसी एपीईसी में सियोल डिक्लेरेशन भी आया था फॉर मोर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड बोगोर डिक्लेरेशन भी आया था, इसी का फॉलो अप डिक्लेरेशन था ये। इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इसका ऑब्जर्वर स्टेटस लिया इन द ईयर 2011। इंडिया इवन इसका मेंबरशिप चाहता है, लेकिन इंडिया को अभी तक इसकी मेंबरशिप नहीं मिली है। अभी जो एपेक समिट हुई थी ये इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज यहाँ पे चाइना और यूएस के प्रेसिडेंट का मीटिंग हुआ। उसके अलावा आईपीईएफ को बुला के यूएस ने कहीं ना कहीं दिखाया कि दे आर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट इज टाइगर सेंसस 2022। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टाइगर सेंसस, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी होती है, जैसे कि इट इज कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स, इट इज कंडक्टेड बाय NTCA। देर आर थ्री टेक्नोलॉजीज विच आर यूज इन दिस, एक होती है पगमार्क, दूसरा होता है कैमरा ट्रैप, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है एम स्ट्राइप्स। इन तीन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देन ये जो टाइगर सेंसस हुआ, इसका डेटा जो है वो रिलीज किया गया एट द मीटिंग ऑफ IBCA। IBCA इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कॉन्फ्रेंस हुआ था मैसूरू में, वहां पे इसके डेटा को रिलीज किया गया। अब व्हाट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये अलग अलग सात मेन बिग कैट्स, इनका ये अलायंस है। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, पुमा है, जैकवार है एंड चीता, राइट, इन सबका मिला के ये ग्रुप बना हुआ है। और इसके अंदर देर आर
97 बिग कैट कंट्रीज जहां पे ये पाए जाते हैं वो कंट्रीज है, इनका मीटिंग हुआ था। और इंडिया में उसी के साथ इंडिया ने अपना टाइगर सेंसस भी रिलीज किया, जिसमें इन्होंने कहा कि इंडिया के 20 स्टेट्स है यहाँ पे हमने ये टाइगर का सेंसस किया था, और इंडिया में टाइगर का नंबर है 3167। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि एनटीसीए के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से कितने टाइगर है हमारे देश में, तो वो है 3167, जो पहले हुआ करते थे 2967 इन द लास्ट सेंसस। सो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 6.7%, राइट, 6.7% का इंक्रीज हुआ है इस बार। एंड इंक्रीज जो है वो ज्यादातर पाया गया है इन नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। गंगेटिक प्लेन्स में डिक्लाइन हुआ है ओनली इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में वायनाड, राइट, सेंचुरी वगैरह जो है यहाँ पे डिक्लाइन पाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी के साथ देर वॉज वन मोर काइंड ऑफ यू कैन से टाइगर रिजर्व का आया था एक डेटा। उस टाइगर रिजर्व के डेटा में बोला गया था इंडिया का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व, वेल प्रिजर्व्ड, इज पेरियार टाइगर रिजर्व ऑफ केरला केरला, एंड सबसे खराब टाइगर रिजर्व है डैम्पा टाइगर रिजर्व, राइट। डैम्पा कौन से स्टेट में एक बार मुझे बता देना। उसके अलावा जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व इंडिया में, तो एनटीसीए के हिसाब से हमारे देश में 54 है, ये चेंज हो चुका है, 53 नहीं है, 54 टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इज नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा इज ओरैंग टाइगर रिजर्व इन आसाम। देन टाइगर इज शेड्यूल वन के अंडर आता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट याद रख लेना, फिर से बता रहा हूं, अमेंडमेंट याद रख लेना, पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब कितने हो चुके हैं, 4, अब 4 हो चुके हैं। देन ये है अबाउट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, इसके भी 50 साल कंप्लीट हुए, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, राइट, तो ये भी एक याद रख लेना। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नाउ सेंट्रल विस्टा में इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ हम करते हुए आगे चलेंगे, तो सेंट्रल विस्टा की अगर हम बात करें तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली बना था 1911 में, और तब इसको बनाया गया था एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, इन दो लोगों ने डिजाइन किया था। रायसीना हिल पे इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया था। रायसीना हिल इस पार्ट ऑफ अरावली हिल्स जहाँ पे हमारे देश का आज प्रेसिडेंट का घर बना हुआ है। देन इसके अंदर अलग अलग चीजें थी जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ये सारी चीजें थी इसमें। राष्ट्रपति भवन की अगर बात करें तो उसको बनाया है एडविन लुटियंस ने, एंड सेंट्रल सेक्रेटरिएट वॉज मेड बाय हर्बर्ट बेकर। अब इसमें यू कैन सी इसको रिवैम्प करने की जब बात आई, तो अभी रिवैम्प किया गया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेटा पुराने वाले से आप याद रख सकते हो, हमारा जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको स्टार्ट किया गया था 1921 में, इनॉग्रेट किया गया था लॉर्ड इरविन, इनका नाम याद रखना, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 1927 में। वैसे उसमें सेशन 1931 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन इनॉग्रेशन उससे पहले हो चुका था, लॉर्ड इरविन ने किया था। 1962 में जब दिल्ली का एक मास्टर प्लान आया था, उस मास्टर प्लान में इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पार्ट को एक हेरिटेज प्रेसिंक्ट बोल दिया गया है। दैट मीन्स आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर रीडेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहली बार रीडेवलपमेंट की बात की गई थी 2010 में, लेकिन वो आगे वर्कआउट नहीं हो पाया। फिर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लेके आया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान विद द कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़, जिसमें से ऐसा कहा जा रहा है 16,000 करोड़ के आसपास शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा, नया वाइस प्रेसिडेंट का घर बनाया जाएगा, नया प्राइम मिनिस्टर का घर बनाया जाएगा, नॉर्थ साउथ ब्लॉक को म्यूजियम कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति भवन सॉरी राजपथ को नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया है, उसका रिवैम्प किया जाएगा, राइट। ये सारी चीजें इस नए प्रोजेक्ट का पार्ट है कहीं ना कहीं। इसका डिजाइन, इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल प्रोजेक्ट, अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किसने किया है, एक कंपनी है जिसका नाम है HCP डिजाइन, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिजाइन किया है, अहमदाबाद की कंपनी है। एक ही कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ बना नहीं सकती, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंपनियों को बनाने के लिए दिया गया है। तो इसमें से अगर हम हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसको डिजाइन किया है एक पर्सन जिनका नाम है बिमल पटेल इन्होंने, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय टाटा प्रोजेक्ट्स, राइट, टाटा प्रोजेक्ट इसे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एंड टोटल कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट इज 971 करोड़। वैसे हमारा पार्लियामेंट 2022 में रेडी होना था लेकिन हो नहीं पाया, 2023 में हुआ, और इस प्रोजेक्ट को इनिशियली 2024 में खत्म होना था, अब 2026 तक कर दिया गया है, 2026 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस
टोटल प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग ऑन। ये हमारी नई पार्लियामेंट है, इस नई पार्लियामेंट में मुझे बता दो लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, लोकसभा की थीम क्या है, राज्यसभा की थीम क्या है, ये चीजें आपको मुझे बेसिक बतानी है। एंड सेंगोल जो है, कहीं से तो हमने पढ़ा है न्यूज में ना, तो सेंगोल कौन सी स्टेट से लाया गया है और कौन सी किंगडम या डायनेस्टी का ये पार्ट हुआ करता था? करेक्ट, इट इज 888 फॉर लोकसभा एंड 384 फॉर राज्यसभा। देन लोकसभा की थीम इज पिकॉक, राज्यसभा की थीम इज लोटस, नेशनल फ्लावर हमारे देश का। देन सेंगोल लाया गया है फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम द चोला किंगडम, राइट, चोला डायनेस्टी का ये हुआ करता था, ठीक है। देन नेक्स्ट दैट वी हैव इज कर्तव्य पथ, इस राजपथ जिसका पहले नाम हुआ करता था किंग्स वे, अब इसको बदलने की बात की गई है, बिकॉज हम जितना भी लीगेसी ऑफ यू कैन से कॉलोनियल रूल है उसको हटाना चाहते हैं, और राजा तो है ही नहीं हमारे देश में, तो किंग का वे कहां से हो सकता है, राजपथ हो ही नहीं सकता, तो हमने इसका नाम क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ, इट हैज बीन रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ, इसका नया नाम दिया गया है। और अब पहले ये स्टार्ट होता था फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन, खत्म होता था प्रिंसेस पार्क पे, अब इसको स्टार्ट किया गया है फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन और ये खत्म होगा एट द स्टैच्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिसको बनाया गया है एक पर्सन जिनका नाम है श्री अरुण योगीराज जी ने, यहाँ पे एक स्कल्पचर बनाया है, 28 फीट का एक स्टैच्यू बनाया गया है ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम अ सिंगल यू कैन से एक पत्थर का मोनोलिथिक, ये है ग्रेनाइट का बनाया हुआ है ये, राइट। एंड हमारे जो मोदी जी के पंच प्रण थे उसमें से एक प्रण था कि हमें इसको रिवैम्प करना है, रिमूव करना है कॉलोनियल लेगेसी को इन द अमृतकाल, जिसमें से ये एक स्टेप है कि राजपथ को अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। द नेक्स्ट इज G20 एंड द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ G20, इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ G20। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नाउ हम G20 की जब हम बात करते हैं तो G20 वैसे तो स्टार्ट हुआ था यू कैन से 1999 में, राइट, लेकिन जब G20 इनिशियली स्टार्ट किया गया तो इट वाज अ मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जैसे RBI है या फिर फेड रिजर्व US है, तो यहाँ पे क्या होते थे, अलग अलग कंट्री के लीडर नहीं मिलते थे, अलग अलग कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और RBI के गवर्नर मिलते थे। लेकिन 2008 में क्या हुआ, सब प्राइम क्राइसिस हुआ, US में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, लेहमन ब्रदर्स नाम की बहुत बड़ी बैंक जो है वो बर्बाद हो गई, राइट, तो उसके वजह से फिर क्या किया गया, उसके वजह से 2008 के बाद बोला गया कि यहाँ पे किसको मिलाया जाए, हेड ऑफ द स्टेट को ही मिलाया जाए। और आज की डेट में अगर हम G20 की बात करें तो 85% दुनिया का GDP, 75% ऑफ द ट्रेड एंड 70% से ज्यादा का पॉपुलेशन ये कंट्रोल करता है, राइट। एंड अगर हम बात करें तो G20 जो है वो दो ट्रैक पे चलता है, एक को कहते हैं शेरपा ट्रैक, राइट, और दूसरे को कहा जाता है फाइनेंस ट्रैक, ये दो ट्रैक पे ये चलता है। और इसकी प्रेसिडेंटशिप जो होती है वो दी जाती है एक कंट्री को, लेकिन उसका हेड ऑफिस ट्रॉयका में होता है, तीन देश मिलके उसका हेड ऑफिस रखते हैं। तो विच इज द ट्रॉयका ऑफ 2024, 2024 के ट्रॉयका के बारे में आपको मुझे बताना है, 23 का तो आपको पता ही है, अब 2024 के ट्रॉयका में कौन कौन होगा ये आपको मुझे बताना है। तो ये तो फाइनेंस ट्रैक हो गया, शेरपा ट्रैक हो गया, इंडिया के इसके शेरपा थे अमिताभ कांत, राइट, अमिताभ कांत। नाउ यहाँ पे हम अगर बात करें G20 के बारे में तो इंडिया में जब इस G20 की बात की गई तो अमिताभ कांत ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट समिट ऑफ G20, ये इंडिया के शेरपा थे। अब इनको शेरपा नाम दिया जाता है बिकॉज ये नाम लिया गया है फ्रॉम द नेपाल का शेरपा कम्युनिटी, कौन थी नेपाल की शेरपा कम्युनिटी, वो लोग जो अलग अलग लोगों को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करवाते हैं। तो टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन हु हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, दो लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था जिसमें से एक शेरपा थे, उनका नाम बताना है, एंड द पर्सन हु हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों चीजें आपको मुझे बतानी है। करेक्ट, इट इज इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, अगले साल का ट्रॉयका होगा, राइट, और इस साल का था इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। नाउ G20 की ये वेबसाइट है भारत सरकार ने बनाई हुई, काफी खूबसूरत वेबसाइट है, इसमें याद रखना 19 देश है प्लस यूरोपियन यूनियन, राइट, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, इसमें से कंट्रीज जो शायद आप भूल जाओ वो याद रखना, इंडोनेशिया इज ऑल्सो देयर, अर्जेंटीना इज ऑल्सो देयर, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, दीज आर स्मॉल कंट्रीज, ये थोड़े छोटे देश है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये नहीं है, है ना, या साउथ अफ्रीका है,
बाकी तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जापान, इटली, इंडिया, जर्मनी, कोरिया, ये तो आपको लगेगी कि ये होने ही चाहिए। देन इंडिया ने इनवाइट किया था, इंडिया हैव इनवाइटेड टोटल अराउंड 9 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से वन कंट्री इज द परमानेंट इनवाइटी ऑफ G20। तो बताओ मुझे, हु इज द परमानेंट इनवाइटी ऑफ G20? इसके अलावा हमने ऑलमोस्ट सारी इंटरनेशनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे इनवाइट किया, चाहे उसको आप WTO कह लो, या फिर यूनाइटेड नेशन की बात करो, या फिर IMF बोलो, या फिर वर्ल्ड बैंक बोलो, या WHO बोलो, या OECD बोलो, या अफ्रीकन यूनियन बोलो, राइट, या आशियान की बात करो, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सबको हमने यहाँ पे इनवाइट किया था अपार्ट फ्रॉम दीज 9 कंट्रीज। इस 9 कंट्री में याद रखना, हमने हमारे पड़ोसी को इंपॉर्टेंस दी, जैसे कि हमने बांग्लादेश को इनवाइट किया, राइट, बांग्लादेश को यहाँ पे इनवाइट किया था, या फिर छोटी कंट्री जैसे कि UAE को इनवाइट किया था, मॉरिशियस को, नीदरलैंड्स को, नाइजीरिया को, ओमान को, इन छोटे छोटे, और यू कैन से ग्लोबल साउथ जिसे आप कह सकते हो, साउथ की कंट्री जो है उनको इनवाइट किया। उसके अलावा परमानेंट इनवाइट होता है यहाँ पे स्पेन, करेक्ट, बहुत अच्छे, स्पेन इज द परमानेंट इनवाइटी। देन ये इस साल का ट्राइका है, अगले साल का ट्राइका आपने जोड़ ही दिया इसके अंदर साउथ अफ्रीका को, अगले साल का ट्राइका होगा। हमारी जो थीम थी दैट वाज वसुधैव कुटुंबकम, राइट, वसुधैव कुटुंबकम। वैसे इंडिया को ऑफर किया गया था लास्ट ईयर 2022 का प्रेसिडेंटशिप, लेकिन इंडिया ने 2023 लिया। वाई? इंडोनेशिया से हमने स्वैप किया था, क्यों किया था एक बार मुझे बता देना इन द चैट सेक्शन। फिर इंडिया ने यहाँ पे बात की मिशन लाइफ के बारे में, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो इंडिया ने स्टार्ट किया था एट द कॉप एंड इंडिया में लॉन्च किया गया था एट द केवड़िया, गुजरात। तो ये हमारी थीम है, भारत पहले देवनागरी में 2023, और फिर इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये वसुधैव कुटुंबकम कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये मुझे एक बार बता दो। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट आउटकम्स, G20 मीटिंग जो इंडिया में है उसके इम्पोर्टेंट आउटकम्स क्या है, करेक्ट, अमृत काल हमारा स्टार्ट हो रहा था, दैट्स वाई पहला साल अमृत काल का हम चाहते थे कि हमारे पास प्रेसिडेंटशिप आए इसकी, और इसलिए हमने इसको एक साल आगे किया। एंड दूसरा जो आपने बताया बिल्कुल सही है, महाउपनिषद से हमने इसको लिया है। नाउ इसके आउटकम्स की बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटकम, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट आउटकम इज एडिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज परमानेंट मेंबर ऑफ G20, अब 21 हो जाएगा, है ना। तो अफ्रीकन यूनियन को हमने ऐड किया, तो अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असौमानी, है ना, इनको, इन्होंने मोदी जी को बहुत ही एकदम टाइट हक दे दी थी उस दिन, है ना, बिकॉज इंडिया इंडिया ने इनके लिए इतना बड़ा काम किया। और अफ्रीकन यूनियन की अगर बात करें तो मुझे बताओ कौन से ईयर में बना था अफ्रीकन यूनियन, एंड इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, इट इज इन द एडिस अबाबा, कैपिटल ऑफ इथियोपिया, कौन से ईयर में बना था वो बताओ मुझे। देन इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल था ये, इनको ऐड करना। उसके बाद हमने यहाँ पे किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ ये। देन उसके बाद ये पूरा डिक्लेरेशन का अलग अलग चैप्टर है, 10 चैप्टर है टोटल इस डिक्लेरेशन में, राइट, याद रखना 10 चैप्टर्स आर देयर। देन इसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हमने बात की थी, राइट, जिसको मॉडर्न स्पाइस रूट का भी हमने नाम दिया है, वी हैव गिवन अ नेम ऑफ मॉडर्न स्पाइस रूट, जो हमें बाईपास करने में हेल्प करेगा स्विस कैनाल को, स्विस कैनाल पे जो दुनिया भर का डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसी स्विस कैनाल में एक आध साल पहले एक शिप जो है, जहाँ पे इंडियन लोग ही थे जिसको चलाने वाले, वो शिप आड़ी हो गई थी। टेल मी द नेम ऑफ दैट शिप, करेक्ट, 2002, 55 कंट्रीज आर देयर, हेडक्वार्टर इज इन एडिस अबाबा, बहुत अच्छे। एंड वैसे वो अजाली असौमानी जो थे वो कौन सी कंट्री के थे, एक बार मुझे वो भी बता दो। तो ये जो है ये स्वेज कैनाल यहाँ पे जो बना हुआ है, इस स्वेज कैनाल को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, JNPT, मुंबई से ये स्टार्ट होगा एंड इवेंचुअली खत्म होगा इन द जर्मनी, जर्मनी में खत्म होगा। तो अलग अलग कंट्रीज जो है इसके थ्रू ये पास करेगा, इंडिया, इंडिया से ये जाने वाला है UAE, UAE से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से यू कैन से इवेंचुअली मेडिटेरेनियन सी, राइट, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया से, देन इट विल गो टू जॉर्डन, जॉर्डन से ये जाएगा इन इसराइल, इसराइल से ये जाएगा इन इटली, इटली टू फ्रांस, फ्रांस टू जर्मनी। तो कंट्रीज कौन सी डायरेक्टली इसके रूट में आने वाली है, तो इनके नाम याद रखना,
It is India, UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Italy, France and Germany. इनके थ्रू ये पास करेगा और दुबई पोर्ट और दुबई का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट विच इज कॉल्ड एज जाबेल अली पोर्ट, ये याद रखना, ये इसका पार्ट बनने वाला है जाबेल अली पोर्ट. देन नेक्स्ट इज यहाँ पे इंडिया ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को भी रिवाइव करने की कोशिश की थी. कोशिश इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि इसको रशिया ने वापस वहां जाने के बाद मना कर दिया है. तो क्या है ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव? ये टर्की को, राइट, टर्की को यूक्रेन से जो फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं उसको भेजना कंटिन्यू करने के लिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था. तो अब ये इसके लिए होल्ड डाल दिया है रशिया ने फिर से, राइट, इसके लिए फिर से रशिया ने होल्ड डाल दिया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के लिए. देन फेयर एंड सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम, बिकॉज हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी ना, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट, तो हमने देखा था कि दुनिया भर में टैक्स इवेजन काफी ज्यादा होता है, उसको खत्म करने के लिए एक इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट किया है जिसका नाम है ग्लोब इनिशिएटिव, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन अप्रोच. बिकॉज इंडिया का और दुनिया का 100 बिलियन से लेके 240 बिलियन तक का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन. एंड इसी के साथ क्रिप्टो रेगुलेशन की भी हमने बात की है, सो दैट वी शुड हैव अ गुड टैक्स सिस्टम. बायोफ्यूल अलायंस इंडिया ने स्टार्ट किया है बिकॉज इंडिया वॉन्ट, कितना परसेंटेज हम चाहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग करना वो बता दो, जो हमें इवेंचुअली इवन हेल्प करेगा इन अचीविंग द नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070 एंड अचीविंग अदर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इंडिया इज प्लानिंग टू अचीव बाय द ईयर 2030. उन सबके लिए हेल्प करेगा. एंड जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वैसे ही एक बायोफ्यूल अलायंस भी इंडिया लेके आया है, राइट, तो इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. देन मिलेट को इंडिया प्रमोट करना चाहता है एज अ सुपर फूड और इसीलिए 2023 इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स भी हुआ था, 2018 इंडिया का नेशनल ईयर फॉर मिलेट्स भी था, श्री अन्न इनिशिएटिव भी हमने शुरू किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च भी हमने स्टार्ट किया है हैदराबाद में, एंड इवन इंडिया ने बात की है अबाउट मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर जो हमने इंडिया में स्टार्ट किया है, राइट. एंड अभी इंडिया ने वर्ल्ड फूड इंडिया नाम का एक मीटिंग भी करवाया था, सेकेंड वर्ल्ड फूड इंडिया कॉन्फ्रेंस इनमें करवाई थी, वहां पे भी एक मिलिंदा नाम का एक उसका मैस्कॉट भी बनाया था, दैट इज ऑल्सो मिलेट से कनेक्टेड किया है हमने और इसको इंडिया सुपर फूड प्रमोट करना चाहता है. देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन इंडिया ने यहाँ पे बात की वन हेल्थ अप्रोच के बारे में. वन हेल्थ इज इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल, इन तीनों के हेल्थ को प्रमोट करने की बात की है. अब G20 की मीटिंग वैसे तो हर कंट्री में होती है, राइट, अलग अलग G20 के नेशंस में. इंडिया को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिली थी, ये बहुत लोगों का मानना था कि कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, राइट, अलग अलग देशों को मिलती है, अगले 2 से 3 साल में कभी ना कभी इंडिया का नंबर तो इसके अंदर आना ही था, तो अभी मिल गई, पिछले साल भी आ सकता था, इस साल आपने लेके आया. बट वॉट इज सो मच इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग, इंडिया ने ऐसा क्या अचीव किया है? तो पहली बार इतनी सारी मीटिंग्स हुई है G20 के अंदर, 220 से ज्यादा मीटिंग्स हुई है, 60 अलग अलग सिटीज को हमने टारगेट किया, G20 के अलावा 32 अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पे इनवाइट किया गया था. G20 के हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम अफ्रीका का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था. एंड अगर हम, चलो ये तो बोलोगे आप बहकी बहकी बातें इधर उधर की, इतनी कंट्री, उतनी जगह, इतने स्टेट, इतनी सिटी, कुछ मुद्दे की बात करो, है ना, तो मुद्दे की बात भी ये है. मुद्दे की बात यह है कि आज तक G20 की मीटिंग्स अगर हम देखें जो इससे पहले हुई है, चाहे जर्मनी की बात करो, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी, इटली, इंडोनेशिया, किसी की भी बात करो, G20 के मीटिंग के आउटकम्स कितने निकल के आए, तो आउटकम्स इंडिया में निकले थे 73, वेयर एज इससे पहले 27, 36, 22, 13, 12, 8, है ना, जर्मनी में सिर्फ 8 थे, हाइएस्ट था 36, हमने उससे डबल से भी ज्यादा आउटकम लाया. एंड कुछ एनेक्स डॉक्यूमेंट, एनेक्स मतलब डिस्कशन जिसपे स्टार्ट हुआ, वो भी थे हमारे देश में 39, तो अगर इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 112 चीजों पे इंडिया में डिस्कशन किया गया जिसमें से 73 पर आउटकम भी आया. और 112 से पहले अगर हम हाईएस्ट देखे दैट वॉज ओनली 65, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल और आउटकम्स तो डबल से भी ज्यादा. तो दिस इज द अचीवमेंट, आउटकम 73 एंड टोटल 112 थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड इन द इंडिया समिट विच इज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ G20. देन नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी एंड द इशू ऑफ साइबर रिलेटेड थिंग्स, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में. Now,
When we talk about cyber related things या cyber के बारे में, तो पहली चीज cyber का मतलब क्या होता है? Cyber means computer, information technology and virtual reality. इन सबको cyber कहते हैं, और ये सब जब एक दूसरे से connected रहते हैं via internet, उसे cyber space कहते हैं. And इसके लिए जो threat है इससे related, उसे cyber security threat कहते हैं. Cyber attacks, or you can say different different types of cyber attacks are there. तो फटाफट टेल मी द नेम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स. अलग अलग टाइप के साइबर अटैक कौन से होते हैं उनके नाम बताओ. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉलवेयर. मॉलवेयर स्टैंड्स फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट? मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं मॉलवेयर. इसमें अलग अलग टाइप के मॉलवेयर होते हैं. किसी किसी मॉलवेयर को आप रैंसमवेयर कहते हो. आजकल रैंसमवेयर काफी न्यूज में चलते हैं. तो आपके लैपटॉप में कोई बाहर का सॉफ्टवेयर घुस जाए जो आपके लैपटॉप या डिवाइस को स्लो कर दे और फिर आपसे रैंसम मांगे, पैसे मांगे, उसे क्या कहते हैं? रैंसमवेयर कहते हैं. उसके बाद कुछ आते हैं स्पाईवेयर, जो आपके डिवाइस में घुस के आपका आपके ऊपर स्पाई रखे, आपके ऊपर नजर रखे, उनको कहते हैं स्पाईवेयर. तो रैंसमवेयर जैसे कि अकीरा रैंसमवेयर, लॉकबिट रैंसमवेयर, ये न्यूज में है. उसके अलावा अगर हम स्पाईवेयर की बात करें जैसे कि पेगासस स्पाईवेयर, ये भी न्यूज में है. देन देयर इज फिशिंग. फिशिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको मेल आते हैं है ना, और जिस पे आप क्लिक करो तो आपके लैपटॉप डिवाइस में वायरस आ जाता है. देन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जब किसी वेबसाइट के ऊपर अटैक किया जाता है. जैसे लीगल एज के अंदर आप बोलो कि जिस दिन मेगा फिएस्टा होता था उस दिन हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती थी क्योंकि उस पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता था किसी ना किसी से, है ना. कोई नहीं चाहता था कि लीगल एज में जाके बच्चे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे, तो वो उसको सर्वर डाउन कर देते थे हमारे वेबसाइट का. देन नेक्स्ट इज मैन इन द मिडल अटैक, दो लोगों के ट्रांजेक्शन में उसके होने वाला अटैक. देन देयर इज एसक्यूएल इंजेक्शन, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन. यहाँ पे वेबसाइट का जो थोड़ा दिखने का तरीका है वो बदल जाएगा. देन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक वेबसाइट पे क्लिक करो तो दो चार वेबसाइटें खुल जाना, दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. एंड लास्ट इज सोशल इंजीनियरिंग, दैट इज इंसान का यूज करके सामने वाले को. ओके, सो सोशल इंजीनियरिंग इज अनदर वन. सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इन द सीरीज कॉल्ड जमतारा. सो पीपल आर यूज टू मेक यू फॉल इन सम काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. देन नेक्स्ट इज अगर हम दुनिया में बात करें साइबर को रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या है क्या नहीं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज ITU इज देयर, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. जब हम ITU की बात करते हैं, ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर दिस टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो स्टार्ट की गई थी इन द ईयर 1865 से ये काम करता है इस फील्ड में. उसके अलावा देर इज वन कन्वेंशन कॉल्ड बुडापेस्ट कन्वेंशन, याद रखना इस कन्वेंशन का नाम बुडापेस्ट, कैपिटल ऑफ हंगरी. और इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है, ये एक याद रखना. देन नेक्स्ट इज ICANN, इसको सब लोग जानते हैं, जो आपको जो भी वेबसाइट के नाम मिलते हैं, डोमेन मिलता है .com, .in, राइट, गूगल चाहे टॉप रैंकर चाहे जो भी बोलो, दैट इज गिवन बाय ICANN, उसे ICANN देता है. एंड अनदर इज पेरिस कॉल, ये भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. देन नेक्स्ट इज इंडिया में क्या राइट गाइडलाइंस है, तो इंडिया का सबसे पहला एक्ट था IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, लेकिन ये बहुत ही पुराना एक्ट था तो हमने इसको टाइम टू टाइम रिवाइव किया है. वी हैव रिवाइड इट टाइम टू टाइम बेसिस पे. जैसे कि IT एक्ट में हमने फिर उसके बाद एडिशन किया सर्ट इन का. सर्ट इन क्या है, तो इंडिया की जो साइबर पॉलिसी 2013 आई थी उसके पहले इसे बना दिया था. वैसे सर्ट इन इंडिया की सबसे बड़ी साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है. कभी भी कोई साइबर क्राइम या कुछ होता है तो उसके लिए टीम बनाई गई है, दैट इज सर्ट इन साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया. देन पेगासस, ये काफी ज्यादा न्यूज में था. तो पेगासस क्या है, ये एक स्पाईवेयर है. स्पाईवेयर मतलब आपके ऊपर स्पाई करने के लिए, आपके ऊपर स्पाई करने के लिए ये स्टार्ट किया जाता है. जैसे अगर आपके फोन में पेगासस घुस जाता है तो आपका फोन के मैसेजेस, लोकेशन, कैमरा, देन योर फोटोज गैलरी, माइक्रोफोन, ये हर चीज ऑन कर सकता है जब आपका मन करे, है ना. जब इस पेगासस का मन करे आपको देख सकता है, जब पेगासस का मन करे आपको सुन सकता है, आपकी गैलरी देख सकता है, आप किससे क्या बात कर रहे हो, क्या मेल कर रहे हो, सब कुछ कर सकता है. और इसको बनाया गया था बाय अ कंपनी कॉल्ड NSO ग्रुप. NSO ग्रुप ने इसे बनाया गया था 2010 में. ये कंपनी थी, इसराइली कंपनी है, इस कंपनी ने इसे बनाया था. और
ये इसराइल अलग अलग देशों को बेचता है, ये एनएसओ ग्रुप अलग अलग देशों को बेचता है, एंड आपके फोन में ये इंटर कैसे कर सकता है? तो ये एक जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर है। जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि आपके फोन पे इसको इंटर करवाने के लिए सिर्फ आपके फोन पे एक कॉल आना जरूरी है। एक कॉल आएगा, चाहे आप उसको रिसीव करो, चाहे आप उसे डिस्कनेक्ट करो, चाहे आप कुछ मत करो, आपका फोन अफेक्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप और ये वायरस डालने वाला अगर एक वाईफाई की रेंज में आ गए तो भी हो जाएगा। आपके डिवाइस के अंदर कोई फिजिकली पेन ड्राइव लगाया तो उससे भी ये ऐड हो सकता है, कॉल से भी हो सकता है, जीरो क्लिक बिना किसी क्लिक के भी आपके फोन में आ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर, राइट, या जीरो क्लिक मॉलवेयर। बट द पॉइंट इज ये आपके ऊपर यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है ना। तो आपके चाहने वाले को इतने पैसे वाले नहीं है कि एक हजारों करोड़ का सॉफ्टवेयर आपके ऊपर लगाया जाए। ऊपर से इसराइल की सरकार ने ये बोला हुआ है कि हम किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को या कंपनी को ये नहीं बेचते, हम सिर्फ इसको अलग अलग देशों को बेचते हैं, सो दैट वो सामने वाला देश जो है वो क्या करे, इसका यूज करे, ताकि उस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम या और भी कोई क्राइम के इश्यूज है या टेररिज्म है उसको टैकल किया जा सके। दैट्स वाई दे स्टार्ट विद द पेगासस, दैट्स वाई दे सेल पेगासस। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर है और भारत सरकार का ये मानना है या कहना है कि हमने इसे नहीं खरीदा, वेयरएज इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, इवन कैबिनेट मिनिस्टर के फोन में इसको पाया गया है। एंड दैट्स व्हाई इसके लिए ये इश्यूज चलते रहते हैं कि क्या भारत ने इसे खरीदा है या नहीं खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमिटी सेटअप की गई है। टेल मी नेम ऑफ दैट कमिटी, किसके अंडर इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए कमिटी सेटअप की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है कि क्या भारत सरकार ने इसे खरीदा है या नहीं खरीदा था। उसके अलावा आईटी रूल्स रहे हमारे देश में अलग अलग टाइम के, पहले थे आईटी रूल्स 2000 के, लेकिन 2000 के बाद 2011 तक काफी दुनिया बदल गई। ऑर्कुट नाम की एक चीज 2011 तक काफी फेमस हो चुकी थी, तो उसके लिए यू कैन से, या फेसबुक नाम की चीज आ चुकी थी तो उसके लिए 2011 में चेंज करने पड़े। 2011 से 2021 में बहुत सारी नई चीजें आ गई, जैसे कि इंस्टा आ गया, टिकटॉक आ गया, या वॉट एवर थिंग्स दैट यू यूज, राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, है ना। तो इन सब चीजों की वजह से 2021 में हमें इसे फिर से चेंज करना पड़ा। अब 2023 में इसमें अमेंडमेंट भी आ चुके हैं। तो आईटी रूल्स जो है वो, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, ये जो है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जैसे कि फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एसएमआई एंड एक एसएसएमआई। एसएमआई सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, एसएसएमआई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी वेबसाइट जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर है उसके लिए एडिशनल गाइडलाइंस ही देते हैं अंडर द आईटी रूल्स। तो ये हमने पढ़ा था एसएमआई एसएसएमआई में डिफरेंस क्या होता है, फिर उनको कुछ एडिशनल गाइडलाइंस दी जाती है फॉर एसएसएमआई। देन नेक्स्ट इज आर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है, या फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इस बार आया 2023 का, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी हम बात करते हैं। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में राइट टू प्राइवेसी हमें दी गई थी अंडर द पुट्टा स्वामी केस इन द ईयर 2000। कौन सा ईयर था बता देना एक बार। तो उस पुट्टा स्वामी केस के हिसाब से आपका जो राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 का जो पार्ट है, वो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं डिजिटली भी मिलनी चाहिए। अगर आपका कोई भी डेटा डिजिटली कहीं पे रखा हुआ है, कोई भी चीज है, तो उसके लिए भी आपके पास राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए। तो इसलिए डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, एंड इसीलिए इसको लाया गया, जिसमें एक बोला गया है फर्स्ट इज पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा का मतलब क्या होता है, ये वो टाइप का डेटा है पर्सनल डेटा जिससे किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई किया जा सकती है क्या नहीं, उसे उस आदमी का पर्सनल डेटा कहा जाता है। अब इससे रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस आए, बट हम काम की चीज से पढ़ेंगे हमारे लिए इसके अंदर क्या दे रखा है। तो जब आईटी योर पुट्टा स्वामी केस का जजमेंट आया था 2017 में, उसके बाद एक कमेटी सेटअप की गई थी, बी एन श्री कृष्णा कमेटी। इस बी एन श्री कृष्णा कमेटी ने पहले दिया था योर डेटा प्रोटेक्शन रूल, और यू कैन सी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को पास नहीं कर पाया हमारा जुडिशियरी, हमारा जो पार्लियामेंट है, एंड इवेंचुअली उसको हटा के हमें लाना पड़ा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, राइट, पुट्टा स्वामी का जजमेंट 2017 का था। अब ये जो नया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, इसको बोला गया है इट इज अ सरल एक्ट। सरल मतलब सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल एंड एक्शनेबल लॉ, इस तरीके का हमें इसे बनाना था। तो याद रखना, वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस एक्ट इज इट्स अ सरल। देन इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें बोली गई है कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए लॉफुल अथॉरिटी ही ले सकती है। उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने की इसमें बात की गई है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया।
देन एग्जम्पशन, एग्जम्पशन किसको दिए जाएंगे कि इस बिल में आपका डेटा प्रोटेक्ट कब नहीं होगा, अगर वो डेटा किसी भी प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस के लिए लिया जा रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट के लिए लिया जा रहा है, तो आपको बिना परमिशन के आपका डेटा लिया जा सकता है। एंड कौन सी चीज इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के बाहर रहेगी, तो दैट इज स्टेट। एंड स्टेट की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दे रखी है मुझे बता दो एक बार। उसके अलावा इसके अंदर पेनाल्टीज लगाई गई है, 200 करोड़ फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन एंड 250 करोड़ इफ द फेलियर ऑफ एनी स्क्रूटिनी दैट प्रिवेंट डेटा ब्रीच। तो आपका डेटा ब्रीच हुआ तो 250 करोड़ तक की पेनाल्टी लग सकती है ऑन द कंपनी, और अगर बच्चों के लिए जो राइट दे रखे हैं उसको फॉलो नहीं किया तो 200 करोड़ तक की पेनाल्टी लग सकती है। आर्टिकल 12, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आर्टिकल 12 देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो हमारे देश की आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है उसमें कौन कौन आता है, इट इज हैविंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां पे सरकार का काफी ज्यादा अथॉरिटी या कंपनी विच इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट होती है। देन ये जो बिल है इस बार का, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज इसमें जो पुराना बिल था, जो पुराना डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, उसमें से दो चीजों को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। टेल मी इन द चैट बॉक्स कौन सी दो चीजें हैं जिसको यहाँ पे इस नए वाले बिल में हटा दिया गया है, और वो चीजें एग्जैक्टली थी क्या। द नेक्स्ट इज WTO एंड इट्स इवोल्यूशन। तो नाउ वी हैव अ ब्रेक ऑफ अराउंड 5 मिनट्स, 5 मिनट का आपके पास ब्रेक है। आपको मुझे बताना है दो चीजें जो हटा दी गई थी वो कौन सी थी फ्रॉम दिस पुराना बिल एंड नया बिल, एंड वो दो चीजें क्या बताती है। टिल देन यू हैव अ ब्रेक, है ना, और लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना। करेक्ट, राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, लेकिन ये होती क्या है ये आपको मुझे बताना है। 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट।
ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब इसमें काम की चीजें सिर्फ बताते हुए चलेंगे, राइट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देर वॉज वन कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं ब्रेंटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था, राइट। पता है सबको, वहां से IMF और वर्ल्ड बैंक बना था। लेकिन उसके साथ देर वॉज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात की थी, जिसको कहते हैं ITO, लेकिन ITO बन नहीं पाया, वर्ल्ड बैंक IMF बन गया। इसी बात पे मुझे बता दो, हु इज द करंट हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, हु इज द करंट हेड ऑफ IMF, दोनों के हेड कौन है? हेडक्वार्टर Washington DC में बना हुआ है, सबको पता है। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ITO जो बन नहीं पाया, बट डेवलप्ड कंट्रीज जो है पूरी दुनिया भर की, दे वांटेड सम ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहते थे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो उनके ट्रेड को प्रमोट करे। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज क्रिएशन ऑफ गैट, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट को बनाया गया। बट इस गैट में ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ही थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कुछ ही आई थी, जैसे कि इंडिया, बिकॉज इस ग्रुप को कहा जाता था रिच मेन्स क्लब। अब इंडिया क्या कर रहा था पता नहीं, बट इंडिया वॉज देयर इन दिस ग्रुप। एंड देन देयर वॉज क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट इसको भी बनाया गया, ट्रेड एम्प्लॉयमेंट इवन डेवलपमेंट वॉज देयर। तो UNCTAD बनाया गया, लेकिन गैट में ज्यादा लोग थे नहीं और यूएन वाले में ज्यादा कंपल्सरी पार्टिसिपेशन था नहीं। एंड दैट्स वाई फिर 1987 में There was a talk which started, 1987 में बात स्टार्ट हुई बिटवीन UNCTAD एंड UNCTAD प्लस यू कैन सी योर गैट के बीच में। एंड इन टॉक्स को कहते हैं रुकवे राउंड्स, और ये चले फ्रॉम 1987 टू 1994। एंड इवेंचुअली द रिजल्ट, जो फाइनल इसका रिजल्ट आया, दैट वाज क्रिएशन ऑफ 1995 में WTO, और इसके लिए जो ट्रीटी हुई उस ट्रीटी को कहते हैं माराकेश ट्रीटी, राइट। माराकेश ट्रीटी से इसको बनाया गया। अब इस माराकेश ट्रीटी के अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अग्रीमेंट्स, जो अलग अलग अग्रीमेंट्स स्टार्ट किए गए, बिकॉज WTO में आने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज सारे एक साथ आए थे। एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड कि सबका अपना इंटरेस्ट जो है WTO ज्वाइन करने का वो फुलफिल हो, और इसके लिए अलग अलग अग्रीमेंट्स हुए। अग्रीमेंट्स के नाम बता दो मुझे एक बार, कौन से अग्रीमेंट्स हुए थे वो, ऑल द अग्रीमेंट्स विच वेर साइन अंडर दिस। इसके अलावा दो WTO के मेन प्रिंसिपल है, एक को कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है नेशनल ट्रीटमेंट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दीज यू कैन से टू मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि मान लो इंडिया एक कंट्री है, इसने किसी एक कंट्री को, मान लो नेपाल को हमने कुछ फेवर किया कि भाई आप हमारे देश में ये चीजें भेजोगे तो आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, आप एक हमारा पड़ोसी देश हो, आपकी हेल्प हम कर सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर आपने एक देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया है तो आपको वो स्टेटस सारे दुनिया भर के देशों को देना पड़ेगा, इसे कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। और दूसरा नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट मतलब मान लो हमारे देश में जो लेदर प्रोड्यूस होता है उस लेदर इंडस्ट्री को हम अगर कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स लगाते हैं तो नेशनल ट्रीटमेंट ये कहता है कि दुनिया भर से लेदर जो आपके देश में आएगा आप उसे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लगाओगे। ऑफ कोर्स इंडिया इन दोनों चीजों को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता, देयर आर ना ये दो प्रिंसिपल है। फिर अलग अलग अग्रीमेंट है जिसका नाम आपने मुझे बता ही दिया। तो पहला है ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR के बारे में है ये ट्रिप्स। तो मुझे बता दो ट्रिप्स में अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आती है, वो कौन सी है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक अग्रीमेंट आ गया ट्रिप्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ गया ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तीसरा आ गया रिगार्डिंग योर गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। लेकिन 1995 तक दुनिया में IT रिवॉल्यूशन भी हो गया था, तो सर्विसेज की भी बात होने लगी, तो आ गया अगला गैट्स, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। और उसके अलावा कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी इंडिया जैसी कंट्री फोकस करना चाहती थी, उसके लिए आ गया अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आपने तब तक ट्रिप्स का बताई दिया मुझे, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बहुत अच्छे, रिजर्व्ड, देन पेटेंट, देन देर इज योर इंडस्ट्रियल डिजाइन, GI टैक्स। तो मोस्ट रिसेंट GI टैक्स बता दो मुझे विद द स्टेट, हमारे देश के रिसेंट GI टैक्स विद द स्टेट, कौन सी स्टेट को कौन सा GI टैग मिला है। बाकी ये जो पेटेंट वगैरह देने का काम होता है ये याद रखना, ये किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक का नहीं है, कॉमर्स इंडस्ट्रीज का ये काम होता है। और पेटेंट्स को लेके देर आर टू थिंग्स विच आर देयर इन न्यूज, लाइक जॉनसन एंड जॉनसन के केस में कौन सी चीज न्यूज में थी, एंड एक इश्यू होता है जिसे कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ये कंपल्सरी लाइसेंस होता क्या है, ये चीज आपको मुझे बतानी है रिगार्डिंग दिस। देन
ये सारे अग्रीमेंट हुए। सर्विसेज चार टाइप की अलग अलग बोली गई इसके अंदर, मोड वन, मोड टू, मोड थ्री, मोड फोर, चार मोड की अलग अलग सर्विसेज आ गई जो इंडिया के लिए जरूरी था। ट्रिप्स आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए, देन ट्रिम्स आ गया इन्वेस्टमेंट्स के लिए, देन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर का अग्रीमेंट हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, इसका रीजन ये था कि मान लो देर इज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, नाउ देर इज इंडिया। अब इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसे हम कहते हैं इंडिया फॉलोज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में छोटे से लैंड में लोग बहुत सारा एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं, वेर एज यूके में देर इज और यूएस में देर इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक पर्सन के पास 100-200 एकड़ लैंड होता है, तो उनका और हमारा फार्मर एक दूसरे से कम्पीट तो कर ही नहीं सकता। अगर आपका एरिया ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगी, और अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन है तो आप कम प्रॉफिट में बेचने के लिए भी तैयार हो जाओगे। लेकिन भारत सरकार इन सब चीजों से बचाने के लिए अपने फार्मर को अलग-अलग सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी अगर हम ट्रेड की बात करें तो वो सब्सिडी कहीं ना कहीं ट्रेड को निगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो इंडिया चाहता है कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करे, वेयर एज यूएस, यूके, डेवलप्ड कंट्रीज चाहेगी कि भारत सब्सिडी प्रोवाइड ना करे। तो इसके लिए हम एक अग्रीमेंट लेके आए थे जिसे कहते हैं अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इसमें हमने सब्सिडीज को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था। व्हाट आर दोस थ्री पार्ट्स, ये मुझे बताओ। इससे पहले मैं आपके बाकी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। राइट, पहले मैंने आपको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा था, तो वर्ल्ड बैंक में देर इज अजय बंगा, आईएमएफ में देर इज क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। राइट, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इज देयर। देन आपने मुझे ट्रिप्स में बताया कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है? कंपलसरी लाइसेंस ये होता है कि कोई अगर मेडिसिन, वो लाइफ सेविंग ड्रग अगर है, अगर वो लाइफ सेविंग ड्रग है, तो अगर किसी के पास उसका पेटेंट है भी तो भारत सरकार के पास राइट है कि वो किसी को भी उसका कंपलसरी लाइसेंस दे सकती है कि पेटेंट गायवाड़ में आप बना लो ये दवाई, हमारे लोगों की जान बचाना जरूरी है। दूसरा जो जॉनसन एंड जॉनसन का केस था, दैट वाज अबाउट एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। अगर आपके पास कोई पेटेंट है उसका पीरियड होता है 20 साल, उसके बाद भी अगर कोई कंपनी अपने पास ही पेटेंट रखने के लिए नया पेटेंट रजिस्टर करती है ज्यादा चेंजेस किए बिना, तो उसे कहते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। और उससे रिलेटेड एक केस भी था, दैट इज नोवार्टिस। राइट, नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को बैन करके रखा था। देन जीआई टैग, गोवन कैशू, करेक्ट, गोवन कैशू है। केरला बोट इज देयर, अरुणाचल प्रदेश में किस चीज को मिला है वो भी बता दो। देन दार्जिलिंग, वो बहुत पुराना है। देन नेक्स्ट इज, ये तीन टाइप की यू कैन से अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी है, एक को कहते हैं ग्रीन बॉक्स, दूसरे को कहते हैं एम्बर बॉक्स, और तीसरे को कहते हैं ब्लू बॉक्स। तो ये तीन बॉक्स की सब्सिडी आपको याद रखनी है। एक है ग्रीन बॉक्स, जिसको हर कोई नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन है तो दे सकता है। दूसरा होता है ब्लू बॉक्स, दैट मीन्स इसको लिमिटेड तरीके से आपको देना पड़ेगा। और तीसरी होती है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये ट्रेड को निगेटिवली अफेक्ट करने वाली सब्सिडी है, तो जो डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप जैसे भारत है, ये दे सकता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए वगैरह ये सब्सिडी नहीं दे सकते। हमारे देश में ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई नया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया तो उसे ग्रीन बॉक्स कहेंगे, बिकॉज रिसर्च डेवलपमेंट होगी तो दुनिया भर की सारी कंट्रीज को हेल्प करेगा। ब्लू बॉक्स जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह में सब्सिडी देती है भारत सरकार, उसको ब्लू बॉक्स कहेंगे, बिकॉज ये क्या करता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस कर देता है। एंड फिर आती है एम्बर बॉक्स, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब भारत सरकार एमएसपी देती है, इसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो इसे हम एम्बर बॉक्स में डालेंगे। देन ये डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको लेके वैसे हमारी और दुनिया भर की कंट्रीज की लड़ाइयां चलती रहती है, बिकॉज देर इज सम लिमिटेशन, देर इज अ लिमिटेशन जितना हम एम्बर बॉक्स में सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन भारत और दुनिया भर की ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री इस लिमिट को क्रॉस कर देती है। एंड दैट्स व्हाई जो डब्ल्यूटीओ वो इंडिया के साथ या डेवलपिंग नेशन के साथ खुश नहीं होता। बट इस लड़ाई को लेके इंडिया और यूएसए के बीच में एक डील हो चुकी है जिसे कहते हैं पीस क्लॉज। तो मोदी जी और ओबामा जी के बीच में ये हुआ था। पीस का मतलब क्या होता है, शांति। तो जब तक इस लड़ाई का सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक भारत के खिलाफ इस इशू के लिए डब्ल्यूटीओ में केस नहीं फाइल किया जाएगा, शांति बनाई रखी जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ यूएसए। इसे कहते हैं पीस क्लॉज, 2015 के आसपास आया था। डब्ल्यूटीओ की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका मिनिस्टोरियल कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वैसे तो हर साल या 2 साल में होनी चाहिए, बट इसमें बिल्कुल कंटिन्यूएशन नहीं होता। एंड प्रॉब्लम है इसी की वजह से कि बाकी सारी कंट्री दुनिया की एक साथ आके अग्रीमेंट कर ही नहीं पा रही है, किसी चीज में मिनिस्टोरियल कॉन्फ्रेंस सही से हो नहीं पा रही है। इसके जो हेड होते हैं उनको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ, जो कि आज की डेट में है नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो आइवेला। सिंपल नाम है, याद रख लेना, है ना, नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो आइवेला। ये जो है ये फर्स्ट अफ्रीकन एज वेल एज फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट वुमेन है जिनके पास ये पोस्ट है।
जिनके पास ये पोस्ट है, तो ये याद रखना इंगोजी अकोंदो आइवेला। एंड इसकी मीटिंग जो है वो होती रहती है, लेकिन ज्यादा टाइम टू टाइम ना होने की वजह से उतना अच्छे से डब्ल्यूटीओ काम नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट इज खालिस्तान इशू, अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज खालिस्तान इशू। राइट राइट, तो खालिस्तान इशू की जब हम बात करते हैं, वैसे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो पंजाब दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो अपना एक अलग आइडेंटिटी चाहता है। सिख लोग वहां पे ज्यादातर रहते हैं, सिखिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं, विच स्टार्टेड बाय गुरु नानक जी। कल परसों 2 दिन पहले आई थिंक मंडे को ही इनका बर्थ एनिवर्सरी भी था, है ना। एंड सिख के लास्ट गुरु इज गुरु गोविंद सिंह, तो इनके 10 गुरु रहे थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद परमानेंट गुरु बन चुके हैं योर गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। इसके अलावा सिखिज्म के 2 गुरु थे जिनका असैसिनेशन हुआ है, टेल मी द नेम ऑफ दोज 2 गुरु। अब हुआ क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस पंजाब को डिवाइड कर दिया, जिसमें सिखिज्म फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे गुरु नानक का ननकाना साहिब नाम की एक जगह, राइट, वो कुछ पाकिस्तान में चलेगी, कुछ इंडिया में रहेगी। यहाँ पे एक कॉरिडोर भी हमने बनाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसे करतारपुर कॉरिडोर भी कहते हैं। लेकिन अलग अलग डिवीजन होने की वजह से एक पंजाब पाकिस्तान में, एक पंजाब इंडिया में आ गया। उसके बाद सिख लोग अपने एरिया का ऑटोनॉमी मांगने लगे, अपने एरिया में थोड़ा सा अपना, यू कैन से बिकॉज इनका रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो वो पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग पंजाब नाम का स्टेट का डिमांड करने लगे। बिकॉज ये जो रीजन है इंडिपेंडेंस के बाद, हिमाचल प्रदेश हरियाणा एंड पंजाब सब मिला के एक ही रीजन था, राइट, जिसको हम एनडब्ल्यूएफपी के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से। तो वो रीजन में ये अलग स्टेट का डिमांड कर रहे थे, ऑटोनॉमी का डिमांड कर रहे थे, कहीं पर भी यहाँ कंट्री का डिमांड नहीं था, दे वॉन्टेड अ सेपरेट स्टेट। बाद में कंट्री का डिमांड स्टार्ट हुआ, ये सेपरेट स्टेट का डिमांड स्टार्ट किया गया था बाय पंजाबी सूबा मूवमेंट, राइट, इन 1955 अंडर अकाली दल। अकाली दल के अंडर ये डिमांड शुरू हुआ एंड इन्होंने पंजाबी सूबा, यू कैन से पंजाबी स्टेट का डिमांड स्टार्ट किया। 1966 में फाइनली ये डिमांड फुलफिल हुआ, पंजाब नाम का एक स्टेट बना। बट उसके बाद 1971 में इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स नाम के न्यूज़पेपर ने उनके देश में कहा कि खालिस्तान नाम का नया देश बन चुका है ना, या नए देश की डिमांड आ चुकी है, बर्थ ऑफ खालिस्तान। इंडिया में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था, इंडिया में तो बस स्टेट और ऑटोनॉमी की बात की जा रही थी। और इसी को लेके अकाली दल ने 1973 में एक रिजोल्यूशन भी साइन करवाया, जिसे कहते हैं आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। यहां पर भी ये बोला गया था कि इन लोगों को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, बट इवेंचुअली इसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स होने लगा। अकाली दल वॉज लेड बाय द लीडर्स ऑफ अकाली दल, एंड पंजाब जो है वो पूरा अकाली दल के अंडर आ गया, पंजाब जो है वो पूरा अकाली दल के अंडर आ गया। एंड इट वॉज नॉट प्रो कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन का राइज हुआ जिनका नाम है भिंडरावाले, राइट, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि ये भिंडरावाले धीरे धीरे अकाली दल के हेड बन गए और अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। और 1982 में इन्होंने स्टार्ट किया धर्म युद्ध मोर्चा, एंड ही स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री, और ये स्टार्ट किया इन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर। इवेंचुअली फिर भारत सरकार को इनको हटाने के लिए करना पड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, और उसके बाद 1984 अक्टूबर में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया गया बाय उनके बॉडीगार्ड जो सिख हुआ करते थे। फिर इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए हमें करना पड़ा ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 टू 1988 के, राइट, अंदर। एंड फिर ये मूवमेंट ऑलमोस्ट इंडिया में धीरे धीरे खत्म होने लगा, बट ये इंडिया के जो सिख लोग या सिखिज्म फॉलो करने वाले जो अलग अलग देशों में है, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का डिसाइड किया, है ना। वहां से ये मूवमेंट थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगा। मेजरली ये लोग रहते थे इन साडा कनेडा, राइट, तो 2.1% सिख पॉपुलेशन है आज भी कनाडा की। 2.1% पॉपुलेशन है सिखिज्म को फॉलो करती है। ऑलमोस्ट 4% इंडियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 2.1% सिखिज्म की पॉपुलेशन है, और वो इवन कनाडा में एक अपना वीकली न्यूज़पेपर भी चलाते हैं जिसका नाम है सांझ सवेरा। उसके अलावा इनका जो रीजन है मेजरली वो ब्रैम्पटन रीजन ऑफ कनाडा में रहते हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने एक सिख फॉर जस्टिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है, जिसका हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इन ब्रैम्पटन। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में बोला कि हम रेफरेंडम करना चाहते हैं खालिस्तान के लिए इन कनाडा, इंडिया में नहीं कनाडा में, और इस प्लेबिसाइट को सपोर्ट किया कनाडा की सरकार ने। उन्होंने ऑलरेडी कनाडा की सरकार की अगर बात करें तो 1948 में इन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया और कश्मीर के प्लेबिसाइट को भी। तो कनाडा तो हमारा दोस्त पहले से ही है, हमारे टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, तो ये सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ने ये सब स्टार्ट किया। फिर इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वारिस पंजाब डे। इस
वारिस पंजाब लीग के एक लीडर थे जिनका नाम था दीप सिद्धू। दीप सिद्धू की डेथ होने के बाद अनादर पर्सन जो इसके लीडर बने वो थे अमृतपाल सिंह, और ये इंडिया में आके बातें कर रहे थे जस्ट लाइक भिंडरांवाले। उसके बाद ऑफकोर्स भारत सरकार ने उठा के इनको जेल में डाल दिया गुवाहाटी में, और फिर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली, और फिर दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ लोग जो है वो मारे जाने लगे जो ज्यादातर खालिस्तान का सपोर्ट करते थे। इनमें से एक वन ऑफ द पर्सन वॉज देयर इन कैनेडा ऑल्सो। नाम बता देना मुझे उनका कि कौन कनाडा में मारे गए। उसके अलावा कुछ लोग यूके में मारे गए, फ्रांस में मारे गए, अलग अलग देशों में जो भी खालिस्तान का सपोर्ट करता था उनको निपटा दिया गया, राइट। एंड कनाडा का वैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले भी इंडिया से कनेक्शन रहा है। हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लोग थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी स्वदेश, या फिर एक घर बना के रखा था जिसे कहते थे स्वदेश सेवक होम। ये बनाया हुआ था इन वैंकूवर कनाडा में, स्वदेश सेवक होम। एंड उसके अलावा एक मूवमेंट भी चलती थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जिसे कहते हैं गदर मूवमेंट। लाला हरदयाल नाम के लीडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था कनाडा से इंडिया के लोगों के लिए, राइट, इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। और एक इंसिडेंट भी है जो बुरा इंसिडेंट हुआ था इंडिया कनाडा के बीच में जिसका आप नाम याद रख लेना बस, दैट हैपेंड। इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली कि इंडिया के कुछ लोग हैं जो कनाडा में रहते थे, उसके अलावा वो इंडिया के अंदर सपोर्ट करते थे फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते थे। अब इंडिया से क्या हुआ, एक बार एक शिप कोलकाता से जाने वाली थी वैंकूवर जिसका नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू नाम की ये शिप थी। इस शिप में इस नाव में कह सकते हो बहुत सारे इंडियन लोग जो है वो जाने वाले थे वहां पे कनाडा में टू ज्वाइन दिस गदर मूवमेंट, लेकिन इस शिप को रोक लिया गया इन कनाडा, वैंकूवर में नहीं लाने दिया गया। और फिर ये जब वापस इंडिया आई तो कोलकाता के पास बजबज नाम की एक जगह है वहां पे इसमें से कई लोगों को मार दिया गया। एंड इस चीज को ऑलमोस्ट 100 सालों के बाद, है ना, ऑलमोस्ट 100 सालों के बाद जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 2015 में वहां पे विजिट करने गए कनाडा, तो उन्होंने इस चीज के लिए कहा कि हम इस चीज से बहुत शर्मिंदा है कि हमने आपके लोगों को लिया नहीं। और इसीलिए वैंकूवर के आसपास कामागाटा मारू नाम का एक मेमोरियल भी बनाया गया। बहुत जल्दी याद आया, है ना। और अब फिर से ये देख ही सकते हो क्या करते हैं। अप्रैल मंथ में ये इंसिडेंट हुआ था 100 साल पहले। उसके बाद अप्रैल मंथ को ही वहां पे कनाडा में सिख हेरिटेज मंथ बोल दिया जाता है। एंड उसके बाद कनाडा की, और यू कैन सी कनाडा के दोस्तों का एक ग्रुप है जिसे कहते हैं फाइव आईज अलायंस। इसने भी बोला है कि भाई इंडिया ने जो इस पर्सन का असैसिनेशन हुआ, मारा गया, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ था, इंडिया का हाथ था, और उसको क्रिटिसाइज किया गया। ये सारी चीजें भी हुई, बट एनीवेज, है ना, ये सारी कहानी है। और निज्जर अभी मारे गए थे, राइट, उसमें इंडिया का हाथ है, ये सब चीजें। तो भारत ने कहा प्रूफ करके दिखाओ, वरना आपकी एम्बसी हमारे देश में हम बंद कर देंगे, हमारे लोगों को वीजा नहीं देंगे, आपके लोगों को यहाँ आने का वीजा नहीं देंगे, जो अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। हमने थोड़ा बहुत वीजा स्टूडेंट वगैरह का देना वापस स्टार्ट कर दिया है। बट एनीवेज, देन अगली चीज जिसकी हम बात करेंगे दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट NEP 2020, तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि हमारे देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद जो एजुकेशन चल रहा था वो चलता रहा। इसमें पहली पॉलिसी आई 1968 में, दूसरी पॉलिसी आई 1986 में। कोठारी कमीशन नाम का एक कमीशन आया था जिसके अंडर फर्स्ट टाइम हमारी पॉलिसी में रिफॉर्म किए गए। उसके बाद रिसेंटली के कस्तूरी रंगन कमेटी सेटअप हुई थी, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की बात की। इन्होंने कहा नया सिस्टम लाया जाए, 5+3+3+4, 3 साल की उम्र से एजुकेशन शुरू कर दिया जाए। 5 साल जो पहले होंगे एजुकेशन के, इसे कहा जाएगा प्री प्राइमरी स्टेज, राइट, जो अभी प्री प्राइमरी काइंड ऑफ स्टेज होता है, इसे अब प्रिपरेटरी स्टेज इन्होंने नाम बोल दिया। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज प्रिपरेटरी स्टेज। देन अगले 3 साल, देन अगले 3 साल, देन अगले 4 साल, इस तरीके से पूरा ये डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट, सेकेंडरी स्टेज तक, 4 साल तक 12वीं तक का एजुकेशन। फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो मार्क्स दिया जाता है, ग्रेड दिए जाते हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो एक नया असेसमेंट सिस्टम होगा जिसका नाम होगा परख असेसमेंट। तो ये नया असेसमेंट सिस्टम लाया जाएगा, और हमारे देश में 100% लिटरेसी का हमारा टारगेट है टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030। इसे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जहां पे हम ज्यादा फोकस देने वाले हैं ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ऑन
योर प्रैक्टिकल नॉलेज. तो उसके लिए नए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे जिनको बोला जाएगा पीएम श्री स्कूल. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन पीएम श्री स्कूल एंड एकलव्य स्कूल. एकलव्य स्कूल ट्राइबल लोगों के लिए, पीएम श्री स्कूल 2020 के हिसाब से नए मॉडल स्कूल है. फिर निपुण भारत नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड ऑल. उसके अलावा पीएम ई विद्या डिजिटल एजुकेशन के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए निष्ठा नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे और जीडीपी का 6% ऑफ द खर्चा होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, जो आज की डेट में हमारे देश में अराउंड 4% है. वी शुड स्पेंड 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन. देन नेक्स्ट इज आईसीसी वर्ल्ड कप. पता है मुझे, दर्दनाक है, बुरा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना. तो आईसीसी वर्ल्ड कप, इसकी अगर हिस्ट्री हम देखें तो क्रिकेट इज बिलीव टू बी स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन 1300 एडी, लेकिन इसके बाद जो इसके रूल्स बनाए गए थे वो स्टार्ट किए गए बाय मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, जिसको आज के डेट में मेक्का ऑफ ना क्रिकेट कहा जाता है. लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के मैदान, उसका जो क्लब है उसका नाम है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब. इन्होंने पहली बार ये सब चीजें स्टार्ट की एंड क्रिकेट बिकेम पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. फिर दुनिया की पहली मैच, फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच हुई 1877 में बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. उसके बाद दुनिया की पहली इवन वनडे मैच भी हुई थी इन्हीं दो टीम्स के बीच में. देन 1909 में एक इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुई, उसको ही बाद में 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम दिया जाने लगा और 1987 में इसी का नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आज की डेट में है. तो इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये 1909 से स्टार्ट होता है जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनी थी, फिर 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एंड उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन 1987 विद हेड ऑफिस इन UAE 2005, है ना, 2005 UAE में इसका हेड ऑफिस किया गया और इसके करंट चेयरमैन इज ग्रेग बार्कले. ग्रेग बार्कले इसके करंट चेयरमैन है. फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच भी बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ही खेला गया इन द ईयर 1971. इसी बात पे मुझे बता दो, इंडिया ने, भारत ने अपना फर्स्ट टेस्ट मैच कब और किसके साथ खेला, और भारत ने अपना फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच कब और किसके साथ खेला था. ये दो चीजें मुझे आपको बतानी है इन द चैट बॉक्स. देन फर्स्ट वर्ल्ड कप इज फर्स्ट वर्ल्ड कप वनडे मैचेस वेयर प्लेड इन 1975 इन लंदन, जहां पे 75 में वेस्ट इंडीज जीता था, 79 में वेस्ट इंडीज जीता था और फिर 83, तो आपको पता ही है द ग्लोरियस 83 दैट वी हैड, कपिल्स डेविल्स, है ना, जिन्होंने 83 का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीता था. देन ऑस्ट्रेलिया आज तक सबसे ज्यादा बार 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है टिल 2023. इंडियन क्रिकेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स ओनली, ब्रिटिशर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था. सबसे पहले पारसी कम्युनिटी ने इसमें खेलना स्टार्ट किया इन द ईयर 1848, बाद में धीरे धीरे बाकी कम्युनिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गई. हमारे देश में इसे मॉनिटर किया जाता है बाय बीसीसीआई. इंडिया का बता दो. इंडिया ने पहला टेस्ट मैच कब खेला और पहला वनडे मैच कब खेला था और किसके खिलाफ खेला था, गूगल कर लो, बताओ. उसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन वो एंड में पूछूंगा बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए. देन नेक्स्ट इज बीसीसीआई. 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, राइट. गवर्निंग बॉडी है इंडिया में क्रिकेट की. एंड बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, ये मुझे बता दो एक बार. हु इज द चेयरमैन, हु इज द सीईओ ऑफ बीसीसीआई. देन क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी हुआ था. वैसे अगर देखा जाए तो आज से सबसे ज्यादा फाइनल में 8 बार ऑस्ट्रेलिया गया है, जिसमें से 6 बार हार चुका है, सॉरी 6 बार जीत चुका है, हारता तो क्या ही बात थी. इंडिया 4 बार पहुंच चुका है, 2 बार हारा 2 बार जीता है. वेस्ट इंडीज 3 बार पहुंचा 2 बार जीता है. देन बाकी दो, पाकिस्तान 1 बार जीता हुआ है, श्रीलंका 1 बार जीता हुआ है, इंग्लैंड 1 बार जीता हुआ है. देन ये पुरानी पूरी हिस्ट्री दे रखी है कि कौन कहाँ पे क्या था, तो इतना डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज पता होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो प्लेयर ऑफ द सीरीज और टूर्नामेंट, राइट, इनको विराट कोहली को मिला है. मोस्ट रन विराट कोहली, मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी, हाईएस्ट रन ग्लेन मैक्सवेल एंड मोस्ट हंड्रेड्स क्विंटन डिकॉक. इन्होंने इसके बाद रिटायरमेंट ले लिया है, कल भी वैसे फिर से धोया है ना हमारे जो क्या नाम है उनका, ग्लेन मैक्सवेल जीते उन्होंने. मोस्ट फिफ्टीज विराट कोहली, बेस्ट बॉलिंग मोहम्मद शमी, मोस्ट 5 विकेट वॉल ऑल्सो मोहम्मद शमी, सबसे ज्यादा चौके विराट कोहली, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल दर्दनाक ट्रेविस हेड, है ना. देन
नेक्स्ट इज ये कुछ इंडिया में जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसके बारे में है। पहली मैच हुई थी ऑन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद मोटेरा बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। ये लास्ट ईयर के जो लास्ट वर्ल्ड कप का सीरीज हुआ था उसके फाइनल के प्लेयर थे एंड पहला मैच और लास्ट मैच दोनों भी इनके यहीं पे हुआ, मोटेरा में हुआ था। लास्ट मैच ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट, तो ये भी मोटेरा में हुआ। एंड 12 टीम आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती है, ये 12 टीम थी एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार जीता है ये तो जानते ही आप सब लोग। देन फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट, बट इससे पहले रॉजर विन्नी राहुल द्रविड़, ठीक है, रॉजर विन्नी बीसीसीआई हेड। और 32 फर्स्ट टेस्ट, 1974 फर्स्ट ओडीआई, भाई एक बार चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट डेटा ही है ना। उसके अलावा मुझे एक बार बताओ कि इस बार रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, उसके अलावा इस बार ईरानी कप कौन जीता है, हु वॉन द रणजी ट्रॉफी, हु वॉन ईरानी कप, हु वॉन द दुलीप ट्रॉफी। आईपीएल कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, आईपीएल का सबसे सक्सेसिव टीम तो पता ही आपको चेन्नई है ना। कितनी बार चेन्नई आईपीएल की ट्रॉफी जीता है। देन इंडिया में रणजी, दुलीप, ईरानी, इसके अलावा कोई अगर इंपॉर्टेंट कप होता है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। इनमें से T20 का कप कौन सा होता है, T20 का कप कौन सा होता है इन सब में से, वो मुझे एक बार बता दो। देन नेक्स्ट इज फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि मोटेरा ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 1,32,000 कैपेसिटी का है, इसे पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। इंडिया का ओल्डेस्ट इज इडन गार्डन्स, 1846 में बना था। डीआरएस क्या होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है, राइट, ये आपको पता है, डीआरएस काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। देन फ्यूचर स्टार इनिशिएटिव भारत सरकार ने स्टार्ट किया था इस बार रूरल एरिया वगैरह से इनके अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, 10 अलग अलग जगहों पे ये वर्ल्ड कप करवाया गया था। देन इसके अलावा जो कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के, पहली 10 ओवर जो होती है उसमें दो फील्डर आउटसाइड द 40 यार्ड सर्कल, 30 यार्ड सर्कल हो सकते हैं, उसके बाद 11 से 40 में चार फील्डर हो सकते हैं और 41 से 50 में पांच फील्डर हो सकते हैं। लेकिन आपने टाइम रिस्ट्रिक्शन अगर फॉलो नहीं किया, राइट, तो एंड ओवर में थोड़ा चेंज भी हो सकता है। डेड बॉल का मतलब क्या होता है, डेड बॉल मतलब बॉल अगर स्टंप पे पहुंचने से पहले दो टप्पे खा जाए तो उसे डेड बॉल कहते हैं। एंड LBW तो सबको पता ही है। एंड एक फेमस सिस्टम होता है जिसे कहते हैं डकवर्थ लुइस मेथड, DLS मेथड, राइट, तो ये एक याद रखना, क्रिकेट इज करंटली काउंटेड अमॉन्ग द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर फुटबॉल एंड रग्बी। दुनिया का सबसे पॉपुलर है फुटबॉल, दूसरा है रग्बी और तीसरा है क्रिकेट, और DLS मेथड काफी टाइम से वर्ल्ड कप में चलती क्रिकेट में चलती आ रही है। DLS मेथड इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार यूज हुई थी इन द ईयर 96-97 एंड उसके बाद आईसीसी ने इसे अप्रूव कर दिया है सिंस 1999। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा आईसीसी के एक रूल है जो अभी यूज हुआ था, टाइम आउट वाला रूल, राइट, तो टाइम आउट वाला रूल आपको पता होना चाहिए, एंजेलो मैथ्यूज के बारे में ये यूज हुआ था, रूल नंबर 40.1.1। इसमें एक आ जाता है कि एक प्लेयर के आउट होने के बाद दूसरा प्लेयर ग्राउंड पे आके 2 मिनट में पहली बॉल फेस करना चाहिए, अगर वो 2 मिनट में फर्स्ट बॉल फेस नहीं करता तो सामने वाली टीम उसे टाइम आउट करने का सोच सकती है। और अगर ऐसा होता है कोई विकेट गिरी है, 2 मिनट में कोई प्लेयर नहीं आया और उसके बाद और 3 मिनट हो चुके हैं, कोई बाहर ही नहीं आया, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिनट्स और कोई प्लेयर खेलने ही नहीं आ रहा है मैदान पे, तो 40.1.2 के हिसाब से ये भी हो सकता है कि अंपायर सामने वाली टीम को बोल दे कि आप जीत चुके हो, दे कैन डिक्लेयर अ मैच। तो ये 40.1.1, 40.1.2 आपको याद रखने हैं। द नेक्स्ट इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसमें अलग अलग चीजें कंसिडर होती है, आपने अभी तक बताया नहीं मुझे, है ना, तो आप एक बार मुझे बता देना या चेक कर लेना अपने एंड से, रणजी ट्रॉफी कौन जीता है जहां पे मैं खड़ा हूं, है ना, दूसरा ईरानी कप कौन जीता है, तीसरा दुलीप ट्रॉफी कौन जीता है, आईपीएल के सबसे ज्यादा सक्सेसिव चेन्नई कितनी बार आज तक जीती है, एंड उसके बाद आपको ये बताना है मुझे कि इनमें से T20 का कप कौन सा होता है। देन नेक्स्ट इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 4 दिन में पूछी जाएगी तो फिर बोलोगे कि ये कहां से पूछ लिया है ना। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इट इज गिवन बाय
टाटा ट्रस्ट इस रिपोर्ट को देता है, स्टार्टेड दिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में। ये अलग अलग चीजों को कंसिडर करते हैं जस्टिस डिलीवरी में, जैसे कि सिचुएशन ऑफ प्रिजन क्या है, लीगल एड का सिचुएशन क्या है, पुलिस कैसा है, जुडिशियरी कैसे काम कर रही है, इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए, राइट, अलग अलग चीजों का कंसिडर करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि स्टेट वाइज सोशल जस्टिस सिस्टम और जस्टिस सिस्टम कैसा चल रहा है। तो इट इज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस नाम की एक चीज है, कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ है, दक्ष नाम की एनजीओ है, ये सब मिलके टाटा ट्रस्ट के साथ इसे पब्लिश करते हैं। 2022 का रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया है, राइट, जहां पे 25 अलग अलग स्टेट्स के ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इन्होंने पहली बार असेस किया था, एंड पुलिस, जुडिशियरी, प्रिजन एंड लीगल एड, इन चार चीजों को कंसिडर करते हुए ये रैंकिंग देते हैं। दो पार्ट में इसमें स्टेट को डिवाइड किया जाता है, लार्ज स्टेट एंड स्मॉल स्टेट, बड़े बड़े स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स, राइट, बड़े बड़े स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स। तो लार्ज स्टेट में टॉप किया है कर्नाटका ने, लार्ज स्टेट जो होते हैं उसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, एंड स्मॉल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है सिक्किम ने, स्मॉल स्टेट्स में स्टॉप किया है सिक्किम ने। देन अलग अलग सिचुएशन यहां पे दे रखी है कि पुलिस का सिचुएशन क्या है क्या नहीं। इसमें से काम की इंफॉर्मेशन या फैक्ट जो आप याद रख सकते हो वो ये है, केरला इज द ओनली स्टेट जहां पे 100% केस क्लियरेंस रेट चलता है। केस क्लियरेंस रेट का मतलब ये होता है एक साल में जितने केस फाइल किए गए क्या उसने या उससे ज्यादा केस सॉल्व हुए। दैट मींस 100% का मतलब क्या है, जितने केस फाइल हुए उतने केस सॉल्व हो गए, उसे कहते हैं 100% केस क्लियरेंस रेट चल रहा है। देन उसके अलावा हमारे देश में सिर्फ देयर इज अ रूल दैट पुलिस स्टेशन में कैमराज होने चाहिए, तो सारे स्टेट के पुलिस स्टेशन में जितने लगा गवर्नमेंट ने बोले हुए कैमराज है उतने कैमराज रखने वाला देयर इज ओनली वन स्टेट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। वहां पे जितना गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उतने कैमराज है। देन पुलिस की अगर बात करें तो देर इज ओनली वन स्टेट दैट इज कर्नाटका, जहां पे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी जितनी भी वैकेंसीज है वो सही तरीके से फुलफिल की गई है, कंप्लीट की गई है। तो ये कर्नाटका का याद रखना। देन यहाँ पे हमने बात की है अबाउट, ठीक है, उत्तर प्रदेश एज द लॉन्गेस्ट एवरेज पेंडेंसी, हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक केस अराउंड 11.5 साल तक चलता है। वही अगर हम बात करें लोएस्ट एवरेज कोर्ट पेंडेंसी इज सिक्किम, जहां पे एक सॉरी राइट सिक्किम जहां पे एक साल का सिर्फ पेंडेंसी चलता है, त्रिपुरा नॉट सिक्किम, त्रिपुरा जहां पे एक साल में केस सॉल्व हो जाते हैं। तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है त्रिपुरा। देन नेक्स्ट इज वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, इसके बारे में पढ़ेंगे अब, वैगनर के बारे में। गोवा इज द वर्स्ट इन स्मॉल स्टेट, राइट, यूपी इज द वर्स्ट इन बिग स्टेट, सीएसके 5 टाइम्स, ईरानी कप, रेस्ट ऑफ इंडिया, सैयद मुश्ताक अली इज ऑल्सो T20, ये याद रखना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है वो T20 का ट्रॉफी होता है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है इस बार, सौराष्ट्र, राइट, रणजी ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र, करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, तो वैगनर ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये वैगनर ग्रुप ऑल्सो नोन एज पीएमसी वैगनर इज अ रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2014। इसके जो चीफ है उन्होंने रशिया के खिलाफ है ना बात की थी, जो अब नहीं बचे। इनका नाम क्या था, इनका नाम कहाँ पे दे रखा है, अजीब सा नाम था, इन्होंने शॉर्ट लिव म्यूटिनी की थी, राइट, प्रिगोजिन, प्रिगोजिन नाम के इनके लीडर थे, अब उनको मार दिया गया है ना, या फिर एक्सीडेंट में मर चुके हैं, मारा नहीं है, राइट। तो ये वैगनर ग्रुप के बारे में बेसिक चीज याद रखना, ये एक प्राइवेट मिलिट्री है जो हेल्प करती थी कुछ पैसे लेके टू द रशियन फोर्सेस, मेजरली इन द रीजन ऑफ सीरिया वगैरह, यहाँ पे रशिया के लिए काम करते थे। तो इन्होंने रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ बात की थी, लेकिन बाद में सब चीजें ठीक हो गई है ना। नेक्स्ट इज सीएजी, सीएजी का रिपोर्ट आया है ऑन पीएमजेएवाई, पीएमजेएवाई इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पहले मुझे बताओ कि इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको आयुष्मान भारत का भी पार्ट कहते हैं है ना, तो पीएमजेएवाई में कितने रुपए का इंश्योरेंस पर ईयर पर फैमिली दिया जाता है। देन इस पीएमजेएवाई के जो बेनिफिशियरी है वो कहाँ से चूज किए जाते हैं, एंड व्हाट इज द
नंबर ऑफ बेनिफिशियरी विच आर देयर, क्या टारगेट है, कितने लोगों को हम इसके अंदर बेनिफिट देने का सोचते हैं, वो आपको मुझे एक बार बता देना है. एंड सीएजी की अभी रिपोर्ट आई थी कि देयर आर सम इश्यूज, सीएजी आर्टिकल नंबर 148 एंड 149, राइट. एंड कौन है हमारे कैग, अभी मुझे बता दो एक बार, हु इज आवर सीएजी. देन सीएजी इज 148 और 149, एक बार इसका आर्टिकल नंबर भी बता दो, शायद मैंने किसी और का आर्टिकल नंबर बता दिया. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि डेड पेशेंट का ट्रीटमेंट लेके भी पैसे लिए गए. दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है कि अनरियलिस्टिक हाउस होल्ड साइज है, 201 लोगों का एक फैमिली भी इसमें आया है. देन पेंशनर आर ऑल्सो अवेलिंग द बेनिफिट, बोगस मोबाइल नंबर और आधार कार्ड देके बेनिफिट लिया जा रहा है. पेंडिंग पेनाल्टीज भी है बहुत सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर. पीएमजेएवाई 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली की बात करता है. एससीसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से बेनिफिशियरी चूज करते हैं. एंड टारगेट है 10 करोड़ फैमिलीज, दैट इज 50 करोड़ पॉपुलेशन, 50 करोड़ की हमारे देश की पॉपुलेशन टारगेट करनी है. नेक्स्ट इज लीगलाइजेशन ऑफ कैनबीज कल्टिवेशन इन इंडिया, दिस इज अनदर टॉपिक, आर्टिकल 149, राइट, 149, जीसी मुर्मू. बहुत बढ़िया. तो कैनबीज कल्टीवेशन लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बताइए आप सबको क्या होता है कैनबीज, है ना. इट रेफर्स टू थ्री प्लांट्स, तीन साइकोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स, कैनबीज सटीवा, कैनबीज इंडिका एंड कैनबीज रूडेरालिस. ये जो होती है ये तीन प्लांट है, बट मेजरली इनको कैनबिनॉइड्स कहते हैं. वैसे तो ये टर्म जो है मैरुआना, दिस इज टेकन फ्रॉम द मेक्सिकन लैंग्वेज, राइट, मेक्सिकन लैंग्वेज से लिया जाता है. एंड हैशिस दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम दिस अनपोलिनेटेड फीमेल प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज हशिश, राइट. इसको कैनबीज कहा जाता है या इनका हशिश ऑयल भी निकल के आता है. अब इसकी पॉजिटिव थिंग या अच्छे यूज क्या है, इट इज यूज इन द मेडिसिन इंडस्ट्री. बैड यूज तो आपको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता है. हमारे देश का पहला स्टेट जहां पे इसको लीगलाइज किया गया है दैट इज उत्तराखंड. उत्तराखंड में इसे लीगलाइज किया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में भी ये लीगल है. अब हिमाचल प्रदेश कोशिश कर रहा है कि इसको लीगलाइज किया जाए उनके स्टेट में भी, फॉर द लाइक ये प्रोड्यूस कर सके और फिर वो मेडिकल इंडस्ट्री में दिया जाए, और कोई पर्पज नहीं है इसका, है ना. और ये डील किया जाता है अंडर नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985, जो प्रोहिबिट करता है सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ कैनबीज, राइट, रेजिन एंड फ्लावर. कैनबीज के रेजिन और फ्लावर का सेल एंड प्रोडक्शन हमारे देश में प्रोहिबिटेड है, लेकिन इसके जो लीव्स एंड सीड्स है, इसके जो लीव्स एंड सीड्स है उसका हमारे देश में प्रोहिबिशन नहीं है. तो इसका आप मेडिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो. एंड अलग अलग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसके लिए लॉ बनाए. हिमाचल प्रदेश ने अभी बात की है कि वो भी लीगलाइजेशन के लिए अपने स्टेट में ग्राउंड बना रहे हैं. देन नेक्स्ट इज 2022 एशियन गेम्स, जो 2022 के हांगजाओ एशियन गेम्स हुए, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मुझे बताने हैं, राइट. मैं आपको पूछूंगा, यू जस्ट हैव टू टेल मी दैट पर्टिकुलर फैक्ट अबाउट दिस, जस्ट अ मिनट. हांगजाओ एशियन गेम्स के बारे में वो आपको मुझे फैक्ट बताने हैं. तो पहला मुझे ये बताओ कि इसके तीन मैस्कॉट्स थे, राइट, तीन मैस्कॉट्स और यू कैन से रोबोट्स जो स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, तो उनके नाम बता दो मुझे. व्हाट आर दो तीन, करेक्ट. हमारे टोटल मेडल 107 थे इसके अंदर. देन एशिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ये कब और कहां पे ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया में दो बार हुआ है, सेकेंड टाइम इंडिया में कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज हुआ था. देन एशिया में ये एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए विच काउंसिल इज देयर जो ये सब ऑर्गेनाइज करवाती है. देन हांगजाओ में जो हुए वो 2022 के थे लेकिन 23 में हुए बिकॉज ऑफ COVID-19, राइट. ये कौन से नंबर का एडिशन था ऑफ दीज गेम्स, ये कौन से नंबर का एडिशन था. इसके तीन मैस्कॉट आपको मुझे बताने हैं. हमारा लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन था ये, तो कितने टोटल एथलीट्स इंडिया से इसमें गए थे, लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन था तो टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स इंडिया से इसमें कितने गए थे ये आपको मुझे बताना है. मेजर माइलस्टोन्स में हमने 107 मेडल, हमारा रैंक कौन सा था, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन दिस, एंड इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम दो स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं. कुछ स्पोर्ट्स ने कमबैक किया है लेकिन दो स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आए थे, उनके नाम बता दो, राइट. दिस वॉज 19th गेम
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसे ऑर्गेनाइज करती है। देन इंडिया के 655 एथलीट्स थे इसके अंदर, 655 एथलीट्स एंड करेक्ट, इंडिया से 655 एथलीट्स गए थे। 107 मेडल है, 28 गोल्ड है, फोर्थ नंबर पे इंडिया का पोजीशन है, पहली बार 100 मार्क है। सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में मेडल आए हमें, दैट इज 29, फिर शूटिंग में आए 22। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट द मेडल इन बैडमिंटन, पहली बार हमें बैडमिंटन में मेडल मिला है, राइट। क्रिकेट और कबड्डी, इन दोनों ने हमें दो दो मेडल दिए, मेल फीमेल दोनों में भी हमें मेडल मिला है इसके अंदर। एंड इसके अलावा अपकमिंग गेम्स जो होने वाले हैं 2027 एंड 30 एंड 34, वो कहाँ पे होंगे? 27 कहाँ पे होगा, 30 कहाँ पे होगा, 34 कहाँ पे होगा? ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांस ये पहली बार ऐड किए गए हैं। उसके अलावा क्रिकेट वगैरह पहले थे लेकिन अब वापस आए हैं, ये वापस आए हैं, राइट। देन टॉप किया है वैसे इसने, चाइना ने टॉप किया है इसके अंदर, करेक्ट। मेडल टैली में चाइना फर्स्ट है, जापान सेकंड है, कोरिया थर्ड है और इंडिया फोर्थ। इंडिया इज फोर्थ। चाइना इज हैविंग टोटल 383 मेडल, जिसमें से 201 गोल्ड है, जिसमें से 201 गोल्ड है, करेक्ट। चेन चेन, लियान लियान एंड कॉन्ग कॉन्ग, ये तीन मैस्कॉट है ना, इंटरेस्टिंग नाम है तीनों का भी। ओके, देन 27 जापान, 2027 जापान में होगा, देन 2030 विल बी कतर एंड 2034 विल बी सऊदी अरेबिया, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज स्टॉकटेक रिपोर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर है, सब समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब है ना, करते रहो। यहाँ पे बात करेंगे स्टॉकटेक रिपोर्ट के बारे में। तो ये स्टॉकटेक क्या होता है? क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग ये समिट होती है ना, स्टॉकटेक। तो ये स्टॉकटेक रिपोर्ट होती क्या है? ये हर 5 साल में होती है, COP28 अभी होने वाला है, राइट, एट द एंड ऑफ 2023 आपकी एग्जाम के टाइम स्टार्ट होगा, दुबई में होने वाला है COP28, राइट। तो यहाँ पे क्या डिस्कशन किया जाए, या फिर जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, पेरिस अग्रीमेंट हुआ था इन 2015, उसके बाद बोला गया था हर 5 साल में ये स्टॉकटेक किया जाएगा कि कौन से देश ने अपने INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को कितना अचीव किया है, क्या है क्या नहीं। एंड इसके 17 की फाइंडिंग्स आए थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा देश क्या किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। एंड इट टेक्स एवरी 5 ईयर्स, COP28 अभी होने वाला है दुबई में। इसके बारे में बेसिक आपने आई होप पढ़ लिया होगा, क्लाइमेट चेंज की पूरी हिस्ट्री आपको आती है। देन NDCs और लेटेस्ट NDC दे वेर सबमिटेड इन 2020 एंड अब स्टॉकटेक उसको असेस करेगा इन 2025, राइट, कि 2025 में क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके अलावा देर इज अनदर इंडेक्स कॉल्ड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को देता है। इंडिया का रैंक 67th है, रैंक उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने इंडिया के बारे में अच्छी बात कही है कि इंडिया इज वन ऑफ दोज बिग इकोनॉमीज जो इसमें काफी अच्छे से काम कर रही है, राइट। तो इंडिया इज द सोल मेजर इकोनॉमी इन द एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम एक्सेलरेटिंग अक्रॉस ऑल द डायमेंशंस। तो इंडिया इकलौता मेजर इकोनॉमी है जो हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सिंगापुर इज द ओनली मेजर इकोनॉमी शोइंग ट्रू मोमेंटम बाय एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा स्वीडन ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, 120 कंट्रीज टोटल थी इसके अंदर। फ्रांस जो है 7वें नंबर पे है, ये इकलौता G20 का कंट्री है जो टॉप 10 में है, इकलौता G20 का कंट्री है जो टॉप 10 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ग्लोबल एवरेज ट्रांजिशन स्कोर हैज इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 2014 बट शोड ओनली मार्जिनल ग्रोथ इन द पास्ट 3 ईयर्स। ओनली 41 कंट्रीज हैव मेड स्टेडी प्रोग्रेस इन द पास्ट डिकेड। तो इंडिया का रैंक वैसे उतना अच्छा नहीं है बट काफी इंडिया की तारीफ की गई है। स्वीडन जो है इसको टॉप किया है, फ्रांस जो है वो इकलौता यू कैन से G20 का कंट्री है जो 7वें नंबर पे है। देन कतर इशू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद होगा, वी टॉक्ट अबाउट द कतर इशू एज वेल इन द लास्ट क्लास, राइट राइट, फर्स्ट स्वीडन है। अब हम कतर इशू को फिर से एक बार बस रिवाइज कर लेंगे, क्या हुआ है। इंडिया के कुछ नेवी के रिटायर्ड लोग थे जो यहाँ पे कंपनी के लिए काम करते थे, इनको बोला गया कि इन्होंने क्या किया है, इसराइल के लिए स्पाइंग का काम किया है। ये एक यहाँ पे मरीन बिल्डिंग कंपनी में काम करते थे, सबमरीन बनाती थी, और दैट्स वाई इनको अब दी गई है सजाए मौत, है ना। और अब भारत सरकार कोशिश कर रही है, व्हाट आर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू इंडिया टू सॉल्व दिस इशू। तो ये कतर इशू हुआ है, इसकी केस हिस्ट्री हमने पूरी पढ़ी थी। नवतेज सिंह गिल, बीरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, अमित नागपाल,
पुरेंदु तिवारी, सुकुमार पकाला, संजीव गुप्ता एंड रेगेश, ये सब काम करते थे यहाँ पे एक कंपनी के लिए जिसका नाम था अल दहरा, जो बना दी थी सबमरीन, राइट। इस कंपनी को भी बंद कर दिया गया है बिकॉज कहीं ना कहीं दे वेर एसोसिएटेड विथ इसराइल के लिए स्पाई करना, राइट। देन भारत सरकार, अब इसराइल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसराइल जो है, सॉरी, कतर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कतर दुनिया में फेमस हुआ था जब वहां पे दुखान ऑयल फील्ड मिले थे 1940 में, और उसके बाद ये काफी ज्यादा फेमस हो गया। मनमोहन सिंह जी ने कतर विजिट की थी, तब से हमारे इनके साथ रिलेशन और भी अच्छे हो गए। 2022 में अभी हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट ने भी विजिट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी वहां पे विजिट कर चुके हैं। तो इंडियाज एक्सपोर्ट टू कतर वेयर वैल्यूड एट जस्ट 1.79 बिलियन डॉलर्स, और 16.11 बिलियन डॉलर का हमारा इम्पोर्ट है मेजरली ऑयल एंड नेचुरल गैस। दैट्स व्हाई ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा काफी ज्यादा डायस्पोरा, हमारे देश के लोग वहां पे जाके काम करते हैं, रहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट भारत इसमें कुछ सोल्यूशन निकाले हमारे लोगों का भरोसा जीतने के लिए, वो भी एक जरूरी चीज है। देन फीफा भी लास्ट ईयर यहीं पे हुआ था, उसके ऊपर पैसेज भी आया था। देन 7 लाख इंडियन रहते हैं कतर में, राइट। दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया और कतर का 2015 का एक अग्रीमेंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स। तो अगर कन्विक्टेड प्रिजनर होते तो बात अलग थी, लेकिन अब फांसी की सजा हुई है, तो दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अदरवाइज हमारा अग्रीमेंट है कि अगर कोई इंडिया का पर्सन वहां पे कन्विक्ट होता है तो वो इंडिया आ सकता है अपनी जेल काटने के लिए, और यहाँ का पर्सन अगर कतर का है और वो कतर का पर्सन को इंडिया में सजा होती है तो वो कतर जाता है अपनी जेल काटने के लिए। आईसीजे के पास भी जाने का हमारे पास ऑप्शन है अगर हम बायलेटरली इशू को सॉल्व नहीं कर पाते। बट आईसीजे के अंडर भी क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा इसमें क्या होता है। इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमारा कुलभूषण जाधव का केस इंडिया पाकिस्तान के बीच में आईसीजे में चल रहा है। देन राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी पुर्तगाल और इंडिया का केस है। देन अपीलिंग रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन अगेन इंडिया पाकिस्तान, देन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, और एक और केस है मार्शल आइलैंड वर्सेस इंडिया। तो कंट्री आपको याद रखनी है, इंडिया पाकिस्तान तो होगा ही होगा, पुर्तगाल का एक केस चल रहा है और मार्शल आइलैंड का भी एक केस चल रहा है हमारा आईसीजे के अंदर, है ना। चल रहा है मतलब कुछ पुराने हैं कुछ अभी चल रहे हैं। देन नेक्स्ट इज सिकल सेल अनीमिया कॉम्बैटिंग इनिशिएटिव। अब इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने का इस बजट में हमने टारगेट लिया है इन द ईयर 2047, राइट। एलिमिनेट करना है, एंड दैट्स व्हाई दिस डिसीज, और इसको कैसे फाइट कर सकते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर हमने बोला है वी वांट टू क्रिएट प्रिवेंट द सिकल सेल डिसीज। तो ये एक क्या डिसीज है, ये एक जेनेटिक डिसीज है। अगर मदर फादर दोनों को भी सिकल सेल अनिमिया होता है तो वो चाइल्ड को हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इनका शेप चेंज हो जाता है ना, ब्लड सेल्स का शेप चेंज हो जाता है, वो सिकल की तरह हो जाते हैं, जिसके वजह से जॉइंट पेन होना, प्रॉब्लम्स होना, ब्लड का यू कैन से प्रॉब्लम्स आना, ब्लड रिलेटेड अदर डिसीजेस हो जाना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, या फिर आपका जो बोन मैरो होता है जहां से अपना ब्लड बनता है उसको चेंज कर दिया जाए, या फिर स्टेम सेल जो होते हैं उसका जो है ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। और इंडिया का टारगेट है 2047 तक अनिमिया को खत्म करना, दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है, राइट। क्रोनिक एनिमिया, एक्यूट पेनफुल एपिसोड, ये सारी चीजें होती है, रिड्यूस हो जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकॉज ऑफ दिस। रीजन क्या होता है, मदर टू चाइल्ड और मदर फादर दोनों को अगर है तो चाइल्ड में चला जाता है, अगर एक पेरेंट को है तो बच्चे को होने के चांसेस कम होते हैं, बट बच्चा जो है वो उसका कैरियर बन जाता है, राइट। बच्चा जो है उसका कैरियर बन जाता है। देन नेक्स्ट इज ये सिकल सेल डिसऑर्डर्स। तो एक सिकल सेल एनीमिया होता है, एक सिकल सेल क्राइसिस होते हैं, और ये आपकी नॉर्मल सेल होती है, इसका शेप ऐसे सिकल की तरह बन जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइड्रोक्सी यूरिया है ना, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये एक अलग यू कैन से ट्रीटमेंट है इसके लिए, जो पेनफुल एपिसोड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। एंड राइट, देन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने इस टाइप के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन स्टार्ट किया था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट इज न्यू मेड इन इंडिया ईवी चार्जिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या इंपॉर्टेंट नई डेवलपमेंट हुई है। होता क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जितने भी दुनिया में ईवीज है, उन ईवी के, जैसे आपके पास एप्पल का फोन है, किसी के पास वन प्लस का फोन है, किसी के पास और कोई फोन है, तो सबके चार्जर अलग अलग होते हैं, तो आपको सबको चार्जर खरीदने पड़ते हैं, राइट। अगर एक ही टाइप के चार्जर चलते तो शायद एक घर में एक चार्जर से काम चल जाता। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम है कि अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे ओला हो चाहे एथर हो, तो वो अलग अलग चार्जिंग स्टेशन उनको चाहिए होता है क्योंकि चार्जर अलग होते हैं।
अगर इनका एक कॉमन चार्जर बन जाए या कॉमन टाइप की चार्जिंग स्टेशन बन जाए तो काफी खर्चा सरकार का एज वेल एज इन सब का बच जाएगा। दैट्स व्हाई भारत सरकार ने एक न्यू मेड इन इंडिया ईवी चार्जिंग स्टैंडर्ड बनाया है। भारत सरकार ने एक न्यू मेड इन इंडिया ईवी चार्जिंग स्टैंडर्ड बनाया है बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसका नंबर ये यूज होगा फॉर LEV, दैट इज लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, लाइक बाइक के लिए, रिक्शा के लिए, स्कूटर के लिए। इसका नंबर है ISI 7017, वेरी इंपॉर्टेंट, ISI 7017, Part 2, Section 7 ऐसा इसका नाम दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथर एनर्जी और नीति आयोग, एथर कंपनी बताया, इन सब ने मिल के इसे स्टार्ट किया है। तो प्राइवेट कंपनी एथर ने भी इसमें हेल्प की है। और ये दुनिया का पहला एसी एंड डीसी चार्जर होगा, एसी डीसी का कॉम्बिनेशन, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, राइट? पता होगा आपको, बचपन में पढ़ा रहेगा। तो एसी डीसी दोनों एक जगह होना मुश्किल होता है। ये दुनिया का फर्स्ट इन द वर्ल्ड दैट कंबाइंस एज वेल एज एसी एंड डीसी फॉर द एलईवी, इस टाइप का ये चार्जर है। इट इनहांसेस इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी, ये इजी हो जाएगा सारी ईवीज के लिए। उसके अलावा ऐसे कोई कॉमन स्टैंडर्ड अगर दुनिया में चलते हैं तो चाइना में कॉमन स्टैंडर्ड है, उनका GB/T चार्जर है। यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम है एंड जापान का शाडेमो नाम का एक चार्जिंग सिस्टम है। तो ये तीन चार्जिंग सिस्टम कॉमन है। उसके अलावा अब भारत का भी आ चुका है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड 7017, ISI 7017, ये इंडिया का है। GB/T चाइना का है, CCS यूरोप का है, शाडेमो जापान का है, US में कोई कॉमन नहीं है। द नेक्स्ट इज वजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट, ये एक नया प्रोजेक्ट आया जो न्यूज में चल रहा है। इंडिया का पहला डीप सी वाटर प्रोजेक्ट है ये, दिस इज इंडिया फर्स्ट डीप सी वाटर प्रोजेक्ट। इंडिया में बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं, वी आर हैविंग 12 मेजर पोर्ट, लेकिन इसमें से कोई भी डीप सी वाटर पोर्ट नहीं है। डीप सी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कार्गो शिप यहाँ पे आके लग सकती है। तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, इंडिया में कोई डीप सी वाटर पोर्ट ना होने की वजह से 75% ऑफ इंडिया की कार्गो वो जाती है अलग अलग देशों में, जैसे कि श्रीलंका में, सिंगापुर में, और वहां से फिर छोटे छोटे शिप में इंडिया में आती है। अगर इंडिया में अच्छा डीप सी पोर्ट बन जाए तो इंडिया का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए वजिंजम जो केरला में है, गवर्नमेंट ऑफ केरला इसको एक डीप सी पोर्ट बना रही है अलॉन्ग विद द भारत सरकार। ये एक पीपीपी प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो प्राइवेट कंपनी अडानी पोर्ट इसको बना रही है ऑन द DBFOT मॉडल, दैट मींस इसको डिजाइन करेंगे अडानी, बिल्ड करेंगे अडानी, फाइनेंस करेंगे अडानी, कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करेंगे अडानी, और उसके बाद भारत सरकार को दे देंगे और गवर्नमेंट ऑफ केरला को दे देंगे। थिरुवनंतपुरम केरला के पास ये आया है, स्टार्ट किया गया है। उसका फर्स्ट फेज दिसंबर 2024 तक स्टार्ट हो जाएगा। 5,000 डायरेक्ट जॉब बनाएगा ये, 5,000 डायरेक्ट जॉब करेगा। 12 मेजर पोर्ट के साथ ये एक एडिशन हो जाएगा अब, एंड हमारे देश के 12 मेजर पोर्ट ये सारे हैं। सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट हमारे देश में है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 3 मेजर पोर्ट्स आर देयर इन तमिलनाडु, एक है कामराजगार, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है चिदंबर नार पोर्ट, तीसरा है चिदंबर नार पोर्ट। देन नेक्स्ट इज थैलियम पॉइजनिंग, ये अनदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू, ओके। बट इससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ कॉमन टॉक विथ यू रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, है ना? आखिरी के आई थिंक 10-15 मिनट बचे हैं, और 10-15 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी। बट आपकी एग्जाम है तो कुछ आपको, है ना, ज्ञान के 2-4 शब्द दे देता हूँ। फ्राइडे तक जितना पढ़ना है, मेजरली रिवाइज करना है, वो कर लो। सैटरडे को कोई ऐसा टास्क मत उठा लेना जिससे आप कंप्लीट ना कर पाओ। थोड़ी बहुत चीजें, 1-2 घंटा रिवीजन करना है उतना कर लेना। आपने साल भर में जितनी पढ़ाई की है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? वो आपको हेल्प करने वाला है, एंड उसका आप ध्यान रखो कि उसका आप सही से यूज करो। 4 दिन में कोई रिवॉल्यूशन नहीं होने वाला। कोई अगर कहीं से भी आपको ये MIT, वो MIT, वो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ दे दे तो उन सब के चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, राइट? एंड GK में कहीं पर भी आपका कभी ऐसा नहीं हो पाएगा दैट यू विल बी एबल टू से कि पूरा GK मुझे आता है, बिकॉज आई हैव गिवन 6 अटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्विसेज UPSC के, उसमें मेन्स भी दिया है, राइट? तो आज तक कभी भी यूपीएससी के प्रिपरेशन में, जहां पे सिर्फ जनरल स्टडीज होता है, वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी यही पढ़ना होता है, लीगल नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, इंग्लिश नहीं होता, उसमें कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम पूरा जानते हैं। और अगर ऐसा होता तो यूपीएससी का जो कट ऑफ है वो 50% नहीं होता।
तो उस वजह से जीके में कभी भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आपको सब कुछ आता है, तो उस सब के पीछे पढ़ना भी नहीं है, राइट। और हर चीज रट्टा मारने की कोशिश मत करो, इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है वो याद हो चुकी होगी, अब अचानक कुछ नया रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो वो आपको नहीं होने वाला। आपके इतने टाइम के जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, उसके ऊपर बिलीव करो। और सैटरडे को कुछ गिनी चुनी चीजें आपको याद करनी है, राइट। जैसे कि मिनिस्टर्स के नाम याद कर लेना, रिपोर्ट्स एंड ड्राइंग्स याद कर लेना, डेज एंड थीम्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि SLR क्या है, CRR क्या है, क्या चल रहा है अभी का रेपो रेट, ये याद कर लेना, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, जो ये नंबर्स वाली चीजें हैं जो चेंज होती रहती है उनको एक बार याद कर लेना। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू। कुछ हेवी चीज मत करना सैटरडे को, राइट। एंड डर जो है वो तो देखो, ये तो जनरल बात थी अबाउट द प्रिपरेशन, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर एनालाइज करके चले जाना एग्जाम के पहले एक बार। एंड डर लगना इज वेरी नेचुरल, अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो आपको डर जरूर लगेगा, अगर आपने मेहनत जरूर की है तो आपको डर जरूर लगेगा, राइट। यू विल हैव दैट डर इन यू अगर आपने मेहनत की है, लेकिन इस डर को आपको ओवरकम कैसे करना है तो आपको बस ये सोचना है कि ये डर आपका एग्जाम ना खराब कर दे। डर आपको किस चीज का लगता है? एक जनरल बात आपको बता दे रहा हूं, यू आर फियरफुल, आपको डर लगता है, राइट। बिकॉज चार लोग क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, है ना। स्कूल में बोला था कि क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब स्कूल में कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक बात याद रखो कि आप अकाउंटेबल हो दुनिया में सिर्फ दो लोगों के लिए, राइट। या फिर जो भी लोग आपको पैसे देते हैं, आपके ऊपर खर्चा करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, योर मदर फादर योर पेरेंट्स, राइट। जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं और यू आर अकाउंटेबल टू देम ओनली, एंड दे विल बी विथ यू वेदर यू क्लियर द एग्जाम और डू नॉट क्लियर द एग्जाम, दे विल जस्ट सी योर एफर्ट्स। और आपने अगर अपने पूरे 100% एफर्ट्स मारे हैं तो आप उनको पूरी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो कि मैंने अपनी पूरी 100% कोशिश कर ली, नहीं हो पाया। और अगर उसके बाद भी आप दुखी हुए तो दे विल बी देयर टू स्टैंड विथ यू, वो हमेशा रहेंगे। अगर उनको आपके एग्जाम क्लियर करने से नहीं करने से फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रिपरेशन से आपके एफर्ट से फर्क पड़ता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। और वो आपके साथ है तो बाकी दुनिया तो क्या ही फर्क पड़ती है, क्या बोले कौन क्या बोल रहा है, चार लोग कभी मिले नहीं है जो बोलते हैं। तो उस चीज का ध्यान मत दो, उस चीज को इग्नोर करो पूरी तरीके से और आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। थोड़ा डर पेपर को लेके जो लग रहा है वो लगने दो, बिकॉज उतना डरना जरूरी भी होता है ना, कि पेपर इतनी मेहनत करने के बाद कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे और क्या होगा और कैसे मुंह दिखाएंगे, इस डर को अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दो। दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एज वेल एज योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। तो उस चीज को आपके यू कैन से दिमाग से पूरी तरीके से हटा देना है और आराम से जाना है, एग्जाम देनी है, टेंशन नहीं लेना है। आपने जो प्रिपरेशन किया इतनी टाइम से वो आपको अच्छा कॉलेज दिलाएगा, और जो आपने पढ़ाई की है, चाहे आपका एग्जाम क्लियर हो ना हो, जो भी होता है, अच्छा कॉलेज मिलता है, दो नंबर का मिलता है, तीसरे नंबर का मिलता है, जो प्रिपरेशन में आपने मेहनत की है वो कभी ना कभी आपको लाइफ में जरूर वापस हेल्प करेगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, डर को हटा देना और अपने आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड रख सकते हो कि मैंने सही एफर्ट मारे हैं इस एग्जाम के लिए, तो बाकी दुनिया भाड़ में जाए, राइट। तो आपके जो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्लस योर पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू। तो आगे बढ़ते हैं, यही था आज के लिए, आपके डर को खत्म करने के लिए। कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा उन सब चीजों के बारे में मत सोचो, एक सेक्शन कोई ना कोई डिफिकल्ट आएगा, उस सेक्शन से आपका पूरा पेपर खराब करने मत देना, राइट। हो सकता है उस सेक्शन को आप पहले उठा लो एंड में उठा लो, तो उससे आपका पूरा पेपर खराब मत होने देना, इट्स ओके। अगर कोई सेक्शन डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए जानबूझ के सेक्शन उसको डिफिकल्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थैलियम पॉइजनिंग के बारे में। तो थैलियम जो होता है ये एक टेस्टलेस ऑर्डरलेस चीज है, राइट। इट्स अ टेस्टलेस ऑर्डरलेस थिंग विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रुक्स इन 1861, जिसका एटॉमिक नंबर है 81, और ये पाया जाता है
जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है या फिर बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर जिंक एंड लेड के रिफाइनिंग में। लेकिन इसको दूसरा एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं पॉइजनर्स पॉइजन, बिकॉज ये एक बिना टेस्ट का बिना ऑर्डर का चीज है जो किसी के भी खाने में या कहीं पर भी मिक्स करके उसको पॉइजनिंग की जा सकती है। ऑफ कोर्स ओपनली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट देयर आर सम इंडस्ट्रीज जहां पे इसका यूज होता है, जैसे कि ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेकिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। और रिसेंटली ये न्यूज में आया था महागांव नाम के विलेज इन महाराष्ट्र में, जहां पे एक फैमिली को इसके केमिकल के थ्रू है ना मार दिया गया या फिर पॉइजनिंग कर दिया गया। एंड अगर इसकी बात करें तो इसका एंटीडोट भी अवेलेबल है, दैट इज प्रूशियन ब्लू नाम का एंटीडोट है। एंड इसको वर्ल्ड में भी क्रिटिसाइज किया गया था, बिकॉज कहा गया था कि सद्दाम हुसैन ने इसका मिसयूज किया था लोगों के ऊपर। सो दिस इज थैलियम पॉइजनिंग दैट हैपेंड, एंड ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, कहाँ से होता है, क्यों होता है। देन नेक्स्ट इज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ये एक नई स्कीम भारत सरकार निकाल के लाई है, वन नेशन वन वाला इनका काफी ज्यादा फेवरेट चीज होता है, राइट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, तो अपार नाम का एक आईडी बनाया जाएगा जो स्टूडेंट का लाइफ लॉन्ग आईडी रहेगा, पूरे जिंदगी भर आईडी रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पूरा एक आईडी में आ जाएगा। इसको आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर इसको डिजी लॉकर पे डाल दिया जाएगा। तो आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी जाओ, तो आपका पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक ही जगह से पता चल जाएगा, डिजी लॉकर से, और ऑथेंटिक सोर्स भी होगा। और इसके लिए फिर एक एवरी इंडिविजुअल का एक यूनिक आईडी रहेगा, विच विल हैव बीन लिंक्ड टू एकेडमिक बैंक क्रेडिट एबीसी के साथ, आपके जो एकेडमिक क्रेडिट है उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे बहुत चीजें हेल्पफुल हो जाएगी, जैसे कि कोई फ्रॉड यू कैन से सर्टिफिकेट्स बनना वो बंद हो जाएगा, एंड आपका जो ट्रांसफर होता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल वो भी इजी हो जाएगा। बट जैसे आधार आपको पता है वॉलेंटरी है, उसी तरीके से ये भी एक वॉलेंटरी है और कोई मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी को लेके इसमें इश्यू हो सकता है। अब आज की डेट में हमारे स्कूल में अपार तो यू कैन से उस टाइप का सिस्टम है जो अभी तक इंप्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन यूडीसी प्लस नाम का एक इनिशिएटिव है जहां पे स्कूल्स सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स यू कैन से इनरोलमेंट्स वगैरह वो एक जगह पे करती है, उसे कहते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो यूडीसी प्लस इट इज एन एंटिटीज एंगेज इन एजुकेशनल इंडस्ट्रीज, दे हैव डेटाबेस इन दिस डेटा, इसमें वो अपना डेटाबेस रखते हैं। इसको 2018-19 में स्टार्ट किया गया था ओडीसी प्लस को, लेकिन ये जो यूडीसी है ये स्टार्ट हुआ था इन 2012-13, उसके बाद प्लस आ गया 2018-19 में, और यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का पूरा डेटा आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रांड ट्रांसजेंडर वुमेन। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, मुझे लग रहा है कि ये एक आईडी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा आपके एग्जाम में, बिकॉज इस टाइप की चीजें में इंटरेस्ट होता है आपके एग्जाम को। तो हुआ ये है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ट्रांसजेंडर वुमेन को बैन किया। अब ट्रांसजेंडर वुमेन का मतलब क्या होता है, वो वुमेन वो बाय बर्थ कहीं ना कहीं मेन थे, लेकिन उनके अंदर फिर वुमेन के ट्रेट डेवलप हो गए तो वो ट्रांसजेंडर वुमेन बन गए, तो कहीं ना कहीं मिक्स है, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत बार ट्रांसजेंडर वुमेन जो होती है दे आर हैविंग हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, वुमेन की कंपटीशन जब होती है तो वुमेन आर हैविंग लेस टेस्टोस्टेरोन, उसके वजह से उनके मसल बिल्ड उतना पावर नहीं आता है, एंड दैट्स व्हाई हम मेल और फीमेल के गेम सेपरेट रखते हैं। अब ट्रांसजेंडर वुमेन में क्या हो जाता है, अगर वो वुमेन में पार्टिसिपेट करे, तो उनके अंडर जो नॉर्मल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होने चाहिए फीमेल में उससे ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर हैविंग मोर पावर। और अब वो वुमन के साथ, नॉर्मल वुमन के साथ अगर कॉम्पीट करेंगे तो चांसेस है कि वो ज्यादा पावरफुल निकले, ज्यादा जीत जाए। दैट्स व्हाई ट्रांसजेंडर वुमन को लेके डाइसी सिचुएशन चलती है हमेशा। अब हुआ ये कि रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ट्रांसजेंडर वुमन को बैन कर दिया। इसके अलावा वर्ल्ड एक्वेटिक्स, जो पहले फिना नाम से जानी जाती थी, एक स्विमिंग की एजेंसी, स्विमिंग फेडरेशन, उन्होंने भी इनको बैन किया था। ट्रांसजेंडर वुमेन हु हैव एक्सपीरियंस मेल प्यूबर्टी विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इन द फीमेल कॉम्पिटिशन आफ्टर द 31st मार्च। अब वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल ने इसको सेटअप किया है, इन्होंने कहा कि इसको हम फिर से कंसिडर करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले इसका एक रूल हुआ करता था, प्रीवियस रूल ये था, अब देखो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो पहले ये रूल था कि कोई भी वुमन जिसके अंडर 5 नैनोमोल से कम टेस्टोस्टेरोन है, कोई भी ट्रांसजेंडर वुमेन जिसके अंडर 5 नैनोमोल से पर लीटर से कम टेस्टोस्टेरोन है, वो पिछले 12 महीने तक अगर 5 से कम मेंटेन करते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द कॉम्पिटिशन।
अब इसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर आपके अंदर 5 से लेके 2.5 नैनोमोल्स पर लीटर है फॉर 2 ईयर्स, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन द वुमेन कॉम्पिटिशन। अब ये सारी चीजें आई क्यों, वाई ऑल दीज थिंग्स इवॉल्व, ये सारी चीजें आई क्यों? तो ये इसलिए आई बिकॉज न्यूजीलैंड से एक वेट लिफ्टर थी, इनका नाम जरूर याद रखना, जिनका नाम था लॉरेल हुबार्ड। इन्होंने 87 kg टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया इन द वुमेन्स कैटेगरी, हालांकि वो पहले ऑलरेडी मेन्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर चुकी थी। तो पहले मेंस में किया और उसके बाद वुमेन में किया। उसके अलावा एक स्विमर थी लिया थॉमस, इन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा के मेंस कैटेगरी से अपने आप को वुमेन कैटेगरी में शिफ्ट किया और वहां पे कुछ ट्रॉफीज भी जीती। तो दैट्स व्हाई इन दोनों की वजह से, ये मेन नाम आपको याद रखना है, इसकी वजह से ये न्यूज में आया। एंड दुनिया भर में पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट जिसने ट्रांसजेंडर वुमेन को बैन किया वो था रग्बी। उसके बाद ट्रायथलॉन बैन किया गया इन लंदन, और अब ओलंपिक्स ने भी बोला है कि वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग दीज एथलीट्स जो ट्रांसजेंडर है, बट इसके ऊपर हम एक कमिटी सेटअप करेंगे और डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो याद रखना है आपको। देन पॉपुलेशन सर्वे इन चाइना, तो इनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, उसकी वजह से ये न्यूज में है। इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी 1980 में, टू चाइल्ड पॉलिसी 2016, एंड थ्री चाइल्ड पॉलिसी अभी ये लेके आए 2020 में। तो बिकॉज इनका जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा गिर चुका है, वैसे तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि 2030 के बाद गिरेगा, लेकिन इनका पॉपुलेशन जो है वो अभी गिर चुका है, दैट्स व्हाई दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो यहीं तक की चीजें थी जो आज हमें करनी थी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू लाइक द सेशन, एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, एंड यू विल परफॉर्म वेरी वेल। एंड माई ऑल द बेस्ट विशेस आर देयर विथ ऑल यू गाइस। टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाना है, थोड़ा डर है उसको रहने दो, ज्यादा डर बिल्कुल मत होने दो, और एग्जाम में पैनिक मोड में नहीं जाना है ना, और एग्जाम खराब नहीं करनी है, आपने बहुत मेहनत की है, एंड वॉट एवर मेहनत दैट यू हैव डन वो आपको पे ऑफ करेगी आपकी एग्जाम में, उसका आपको उस पर आपको बिलीफ रखना है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप यू लाइक द सेशन, इफ यू लाइक द सेशन पता ही आपको करना क्या है ना, तो वो कर देना। बाकी सी यू इन द आई थिंक संडे या राइट, जब आपका पेपर डिस्कशन कर रहे होंगे तब अपन मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।